वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बीए प्रोग्राम के फोर्थ सेमेस्टर में आपका एक पेपर है, किसी एक साहित्यकार का परिचय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसी में आपके बेटे सिलेबस में शामिल किया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ नाटक नील देवी। तो आज के वीडियो में हम इसी नाटक को ही पढ़ेंगे। इसका नाम है नील देवी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ ये एक ऐतिहासिक नाटक है, जो कि नारी प्रधान नाटक है एक तरीके से बेटे। नारी प्रधान मतलब इसमें मुख्य पात्र जो है वो एक महिला है। चलिए शुरू कर लेते हैं। ऐतिहासिक गीत रूपक है। शुरुआत इसकी की गई है दुर्गा सप्तशती की कुछ पंक्तियों से। इसकी शुरुआत की गई है, गर्ज गर्ज क्षणम मोढ़ मधु यावत पिबाम्यहम मया त्वयि हते अगेव गर्जिष्यन्याशु देवताः त्रैलोक्यामिन्त्रो लवताम देवा संतु हविर्भुजः यूयम् प्रयात पातालम् यदि जीवितुमिच्छथ इत्थम सदा यदा बाधा दानवोत्थ भविष्यति तदा तदावतीर्याहम् करिष्याम्यदि संक्षयम् श्रियसस्ता सकला जगस्तु त्वयका पूरितमम् मेतत। अब इसके नाटक के पात्र कौन कौन से। शुरुआत में एक तरीके से बेटा होता है जैसे स्तुति गान किया जाता है, ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, उस तरीके से शुरुआत हुई है इसकी दुर्गा सप्तशती की। इन्होंने पंक्तियां ली हैं और ये अपने आप में एक सिंबल है इस बात का कि ये नारी प्रधान नाटक है, इसीलिए उन्होंने दुर्गा की स्तुति की है। नाटक में पात्र कौन कौन है इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले है सूर्यदेव जो कि पंजाब प्रांत के राजा हैं। दूसरे हैं सोमदेव जो कि सूर्यदेव का पुत्र है। तीसरा पात्र है इसमें अब्दुल शरीफ खान सूर जो कि दिल्ली के बादशाह का सिपह सालार है। बसंत है जो कि पागल बना हुआ महाराज सूर्यदेव का नौकर है। अगला है पंडित विष्णु शर्मा जो कि मौलवी के वेश में राजा का पंडित है। अगले है नील देवी, महाराज सूर्यदेव की रानी है। देखिए सूर्यदेव जो कि पंजाब प्रांत के राजा है, उनकी पत्नी है सूर्यदेव की रानी। चप्पर गट्टू और पीक दान अली दो मूर्ख खोरे हैं और देव सिंह इत्यादि सिपाही हैं, राजपूत सरदार हैं। मुसलमान मुसाहिब काजी भटियारी देवता अप्सरा वगैरह इसके अन्य पात्र हैं। मात्र भगिनी सखी तुल्या आर्या ललना गण, ये सारे के सारे पात्र हैं इसमें नाटक में। शुरुआत हो रही है नाटक की। आज बड़ा दिन है, बड़ा दिन यानी कि क्रिसमस है। क्रिस्तान लोगों को इससे बढ़कर कोई आनंद का दिन नहीं है, मतलब क्रिश्चियन लोगों के लिए इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है, इससे बड़ा खुशी का कोई दिन नहीं होता है। किंतु मुझको आज उल्टा और दुख है, मुझे आज के दिन और ज्यादा दुख है। इस कारण मनुष्य स्वभाव सुलभ ईर्ष्या मात्र है। इस कारण क्योंकि मनुष्य का स्वभाव क्या है, ईर्ष्या मात्र है, यानी कि हर व्यक्ति ईर्ष्या करता है। मैं कोई सिद्ध नहीं कि राग द्वेष से विहीन हूं, मुझे भी राग द्वेष सताते हैं, मुझे भी लोगों से जलन होती है, मुझे भी ईर्ष्या होती है। तो आज का दिन मुझे उल्टे बुरा लग रहा है, दुखद लग रहा है। जब मुझे अंग्रेजी रमणी लोग मेद सिंचित केश राशि कृत्रिम कुंतल जूट मिथ्या रत्नाभरण और विविध वर्ण वसन से भूषित क्षीर्ण कटी देश कसे निज निज पतिगण के साथ प्रसन्न बदन इधर से उधर फर फर कल की पुतली की भांति फिरती हुई दिखलाई पड़ती हैं, तब इस देश की सीधी सादी स्त्रियों की हीन अवस्था मुझे स्मरण आती है और यही बात मेरे दुख का कारण होती है। यानी कि वो कहते हैं कि जब मुझे यहाँ की जो अंग्रेजी रमणियां हैं यानी कि अंग्रेज महिलाएं हैं, वो मेद सिंचित केश राशि मतलब बालों में मेद सिंचित उनके बाल जो होते हैं उनमें उन्होंने कृत्रिम कुंतल जूट लगा रखे हैं, मतलब कि ऐसा शरीर जिन्हें आज की तारीख में आप कहते हैं वो लगा रखे हैं। मिथ्या रत्नाभरण बेवजह के रत्न वगैरह पहने हुए हैं और विविध वर्ण वसन से भूषित अलग अलग रंग के कपड़ों से सजी हुई हैं। क्षीर्ण कटिक देश कसे देखिए पतली कमर को कसे हुए निज निज पति गण के साथ अपने अपने पति के साथ प्रसन्न बदन इधर से उधर फर फर कल की पुतली की भांति फिरती हुई दिखलाई देती, मतलब पुतलियों की तरह मशीनी पुतलियों की तरह चलती हुई अपने पति के साथ खुश होकर के दिखाई पड़ती हैं। तो मुझे अपने देश की महिलाओं की हीन अवस्था की याद आ जाती है और यही मेरे दुख का कारण होती है। यानी कि वो कहते हैं कि क्रिसमस पर जब यहाँ पर अंग्रेज महिलाएं सज धज कर छोटे छोटे बाल कटा करके और अपने रंग बिरंगे कपड़ों में अपने पति के साथ यहाँ से वहां घूमती दिखाई पड़ती हैं, तो मुझे अपने देश की सीधी साधी महिलाओं का स्मरण हो आता है और तब मुझे और ज्यादा दुख होता है। इससे यह शंका किसी का न हो कि मैं स्वप्न में भी यह इच्छा करता हूं कि इन गौरांगी युवती समूह की भांति हमारी कुल लक्ष्मी गण भी लज्जा को तिलांजलि देकर अपने पति के साथ घूमे।
इसका मतलब आप मेरी बात के बारे में ये मत सोचिएगा कि मैं स्वप्न में भी ऐसी इच्छा करता हूँ कि इन गौरांगी युवती समूह की तरह, इन गोरे अंग वाली युवतियों के समूह की तरह हमारी कुल लक्ष्मी गण भी, यानी कि हमारी कुल लक्ष्मियां जो हैं, हमारे घरों की महिलाएं भी ऐसे लज्जा को त्याग कर अपने पति के साथ घूमे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ऐसा मैं सपने में भी नहीं चाहता। किंतु और बातों में जिस भांति अंग्रेजी स्त्रियां सावधान होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, घर का काम काज संभालती हैं, अपने संतान गण को दीक्षा देती हैं, अपना स्वत्व पहचानती हैं, अपनी जाति और अपने देश की संपत्ति विपत्ति को समझती हैं, उसमें सहाय देती हैं और इतने समुन्नत मनुष्य जीवन को व्यर्थ ग्रह दास्य और कलह ही में नहीं कोती, उसी भांति हमारी ग्रह देवता भी वक्तमान हीन अवस्था को उल्लंघन करके कुछ उन्नति प्राप्त करें, यही लालसा है। मतलब वो कहते हैं कि जिस प्रकार, यहां से देखिए उन्होंने क्या क्या कहा है कि जो अंग्रेज महिलाएं हैं, और बातों में जिस भांति अंग्रेजी स्त्री सावधान होती है, मतलब मैं नहीं ये चाहता हूं कि वो भी इस तरीके से अपनी लाज को त्याग करके अपने पति के साथ घूमे, मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जैसे वो महिलाएं सावधान होती है बहुत सी बातों में, कैसे कैसे, पढ़ी लिखी होती हैं, घर का कामकाज संभालती हैं, अपनी संतान गण को दीक्षा देती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, अपना स्वत्व पहचानती हैं, मतलब उन्हें अपना वजूद पता होता है, ऐसा नहीं है किसी और के लिए उन्होंने अपने आप को खपा दिया है, अपनी जाति और अपने देश की संपत्ति विपत्ति को समझती हैं, हमारे देश में क्या क्या चल रहा है, राजनीति को, वहां की विपत्तियों को, सब चीजों को समझती हैं और उसमें जो भी सहायता दे सकती होती है देती हैं, और इतने समुन्नत मनुष्य जीवन को व्यर्थ ग्रह दास्य और कलह ही में नहीं कोती, मतलब कि अपने इस समुन्नत, इस महान मनुष्य जीवन को बिना वजह घर की दास बनने में, कलह में नहीं खोती हैं। इसी तरीके से हमारी ग्रह देवता भी, जो हमारे घरों की महिलाएं हैं, वे भी हीन अवस्था को उल्लंघन करके अपनी जो उनके यहाँ वर्तमान जो हीन अवस्था है, जो उसमें अभी तक गिरी हुई हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है, उसको छोड़ करके कुछ उन्नति प्राप्त करें, मेरी तो ये इच्छा है। इस उन्नति पथ की अवरोधक हम लोगों की वर्तमान कुल परंपरा मात्र है और कुछ नहीं, मतलब इसकी अवरोध जो है, उनकी उन्नति की रुकावट क्या है, हम लोगों की वर्तमान जो कुल परंपराएं हैं वही हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। आम जन मात्र को विश्वास है कि हमारे यहाँ सर्वदा स्त्रीगण इसी अवस्था में थी, लोगों को विश्वास है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ महिलाएं ऐसे ही रहती थी शुरू से। इस विश्वास को, भ्रम को दूर करने के हेतु यह ग्रंथ विरचित होकर आप लोगों के कोमल कर कमलों में समर्पित होता है, यानी कि इस भ्रम को दूर करने के लिए कि हमारे यहाँ स्त्रियां ऐसे ही होती थी हमेशा से, कि घर में रहती थी, घरों में ही केवल रहती थी बंद होकर के, ऐसा नहीं था। तो आपको भी अगर यह भ्रम है तो आपके इस भ्रम को दूर करने के लिए, आपके इस विश्वास को हटाने के लिए ही ये ग्रंथ मैंने लिखा है और ये आपको समर्पित करता हूँ। निवेदन यही है कि आप लोग इन्हीं पुण्य रूप स्त्रियों के चरित्र को पढ़ें, सुने और क्रम से यथाशक्ति अपनी वृद्धि करें। वो कहते हैं कि निवेदन आप लोगों से यही है कि आप इन्हें पढ़ें और सुने और क्रम से यथाशक्ति अपनी वृद्धि करें और साथ में इनमें वृद्धि करें, यानी कि आप स्वयं भी इनके समान महान चरित्र सबल महिला बने। 25 दिसंबर 1881 को उन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नील देवी की ये भूमिका लिखी थी। अब नील देवी जो है एक ऐतिहासिक गीति रूपक है, गीति रूपक है, वियोगांत है, तब लास्ट में इसमें प्रेमी प्रेम का बिछड़ जाते हैं। पहला दृश्य है हिमगिरी का शिखर, तीन अप्सरा गान करती हुई दिखाई देते, तीन अप्सराएं हैं, गा रही हैं। अप्सरा गण है झिंझोटी, जल्द और तिताला। धन धन भारत की छत्रणी, वीर कन्या का वीर प्रसविनी, वीर बधु जग जानी, सती सिरोमणि धर्म धुरंधर, बुद्धि बल धीरज खानी, इनके जस की तिहूं लोक में अमल बुझा फहरानी। मतलब वो कहती हैं जो अप्सराएं हैं वो गा रही हैं, धन धन भारत की छत्रणी, भारत की क्षत्रानियां धन्य हैं इन वीर कन्याओं की, और वीर प्रसविनी जो वीरों को जन्म देती हैं, और वीर वधु हैं और जग जानी, सारी दुनिया को पता है कि वीर कन्याएं हैं, ये वीर लोगों को जन्म देने वाली हैं और वीर वधु हैं। सती शिरोमणि, सभी सतियों की शिरोमणि है। धर्म धुरंधर, धर्म के मामले में बहुत ज्यादा जैसे धार्मिक प्रवृत्ति की है। बुद्धि बल धीरज खाने, बुद्धि है इनके पास, बल है, धीरज है। इनके जस की तिहू लोक में अमल भुजा बहरानी, इनके यश की तीनों लोक में सब जो है स्वच्छ ध्वजा फहरा रही है। सब मिले गाओ प्रेम बधाई, सब मिल करके प्रेम की बधाई गाइए, यह संसार रतन एक प्रेम है और बाद चतुराई। मतलब ये संसार जो है एक प्रेम का रत्न है और उसके बाद में चतुराई है। प्रेम बिना फीकी सब बातें, कहो न लाख बनाई,
प्रेम के बिना सारी बातें फीकी हैं। चाहे आप लाखें बात लाख बातें कहिए, लेकिन अगर उनमें प्रेम नहीं है तो सारी की सारी बातें फीकी हैं। योग ध्यान जप तप व्रत पूजा प्रेम बिना बिन साई। वो कहते हैं भारतेंदु जी की योग यानी कि योग ध्यान जप तप व्रत पूजा ये सब कुछ अगर प्रेम नहीं है तो ये सब विनाश हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। हाव भाव रस रंग रीति बहु काव्य अकेले को सिलाई। भाव भाव रस रीति बहु काव्य सभी के सभी जो काव्य है प्रेम के बिना सब कुमला जाएंगे। बिना लोन व्यंजन जो सब ही प्रेम रहित दर्शाई। जैसे कि बिना लोन के व्यंजन के जितने भी व्यंजन होते हैं खाने पीने के जितने भी व्यंजन होते हैं अगर उनमें लोन ना हो यानी कि नमक ना हो तो जैसे लगेंगे ठीक ऐसे ही बिना प्रेम के सारी की सारी चीजें लगती हैं। यहाँ पर प्रेम ही सो हरिहु प्रगटते हैं यद्यपि ब्रह्म जगराई। बेशक ब्रह्मा ने संसार का जो है रचना कर दी है लेकिन प्रेम नहीं होगा तो ईश्वर भी प्रकट नहीं होंगे। ईश्वर भी तभी प्रकट होते हैं जब उनके साथ प्रेम प्रेम से ही उपजे प्रकट होते हैं। वो भी तासो यह जग प्रेम सार है और ना आन उपाय। इसी वजह से ये सारा का सारा जग प्रेम का सार है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। यहाँ पर पहला दृश्य खत्म हो गया। हिमगिरी पर जो कि शिखर है उस पर तीन अप्सराएं ये गा रही हैं। इसके बाद दूसरा दृश्य है युद्ध के डेरे खड़े हैं, युद्ध के लिए लोग खड़े हुए हैं। एक शामियाने के नीचे अमीर अब्दुल शरीफ खां सूर बैठा है और मुसाहिब लोग इर्द गिर्द बैठे हैं। तब एक शामियाने के नीचे कोई टेंट है, उसके नीचे अमीर शरीफ खां सूर बैठा हुआ है और उसके साथ में कुछ लोग उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। शरीफ कहता है एक महोदय से कहता है अब्दुल समद खूब होशियारी से रहना, यहाँ के राजपूत बड़े काफिर हैं, इन कमबख्तों से खुदा बचाए। मतलब कि वो कहता है कि अब्दुल मसद सावधान रहना, यहाँ के राजपूत बड़े ही चतुर हैं, बड़े काफिर हैं, इनसे तो खुदा ही बचाए। दूसरे मुसाहिब से कहता है मलिक सज्जा तुम शवों के पहरों का इंतजाम अपने जिम्मे रखो, न हो कि सूरज देव शबे खून मारे। मतलब कि कहता है कि तुम शवों का पहरे का इंतजाम अपने अपने कब्जे में रखना, ऐसा ना हो कि सूरज देव जो है सबको मार डाले। काजी साहब मैं आपसे क्या बयान करूं, वल्लाही सूरजदेव एक ही बदबला है, ये ताए पंजाब में ऐसा बहादुर दूसरा नहीं। मतलब कहता है काजी से कहता है जो यह अब्दुल शरीफ कहता है कि हे काजी साहब मैं आपसे क्या ही कहूं, एक ये वल्लाही सूरज ही एक ऐसा बदबला है, मतलब एक यही बला है हमारे लिए, पूरे पंजाब में ऐसा कोई दूसरा बहादुर नहीं है। तो काजी कहता है बेशक हुजूर सुना गया है कि वह हमेशा खेमों में ही रहता है, यानी कि सुना गया है कि वह हमेशा खेमे में ही रहता है और हमेशा आसमान शामियाना और जमीन ही उसे फर्श है। उसके लिए आसमान ही उसका घर है, छत है और जमीन ही उसके लिए फर्श है। हजारों राजपूत उसे हर वक्त घेरे रहते हैं, मतलब हमेशा वो खेमे में रहता है, हजारों राजपूत उसे घेरे रखते हैं। शरीफ कहता है वल्लाह तुमने सच कहा, अजब बद किरदार से चरपाला पड़ा जाना तंग है। जबकि उससे तुमने सच कहा, शरीफ कहता है कि बड़े ही अजीब आदमी से मेरा पाला पड़ा है, जाना तंग है। किसी तरह यह कमबख्त हाथ आता तो और राजपूत खुद ब खुद पस्त हो जाते, यानी कि अगर किसी तरीके से ये जो है सूरज है ये हमारे हाथ आ जाता तो बाकी सारे के सारे राजपूत अपने आप ही हार जाते, अपने आप ही हार मान लेते। तो मुसाहिब कहता है खुदा बंद हाथ आना दूर रहा, उसके खौफ से अपने खेमे में रहकर भी खाना सोना आराम हो रहा है। तो मुसाहिब कहता है कि खुदा बंद हे ईश्वर हे प्रभु हे महाराज, उसका हाथ आना तो दूर की बात है, उसके डर की वजह से अपने खेमे में भी हमारे लिए खाना सोना हराम हो रहा है। तो शरीफ कहता है कभी उस बेईमान से सामने लड़कर फतह नहीं मिलती है, मैंने तो अब जी में ठान ली है कि मौका पाकर एक शब उसको सोते हुए गिरफ्तार कर लाना। मतलब ये कहता है कि उसके ईमानदारी से सामने से लड़ने में तो फतह नहीं मिलनी है, इसलिए मैंने मन में ठान लिया है कि किसी रात शब मतलब रात किसी रात उसको मौका पाकर के सोते हुए कोई गिरफ्तार करके ले आएंगे, और अगर खुदा को इस्लाम की रोशनी का जिलवा हिंदुस्तान जुल्मत निशान में दिखलाना मंजूर है तो बेशक मेरी मुराद बढ़ जाएगी। मतलब वो कहते हैं कि अगर ईश्वर को मेरे खुदा को इस्लाम की रोशनी का जलवा हिंदुस्तान में दिखाना मंजूर है, अगर मेरा खुदा चाहता है कि हिंदुस्तान में भी इस्लाम की रोशनी दिखाई पड़े, यहाँ पर इस्लाम का जलवा दिखे, तो वो मेरी मुराद जरूर पूरी करेंगे। तो काजी कहता है इंशा अल्लाह ताला, इंशा अल्लाह यानी कि आपकी मुराद जरूर पूरी होगी। शरीफ कहता है कसम है कलामे शरीफ को, मेरी खुराक आगे से इस तफक्कुर में आधी हो गई है। तो शरीफ कहता है कि कसम से मेरी तो खुराक भी आधी हो गई है इस फिराक में, सब लोगों से देखो अब मैं सोने जाता हूँ, तुम सब लोग होशियार रहना। सब लोगों को तरफ इशारा करके कहता है मैं सोने जाता हूँ, तुम सब होशियार रहना।
उठकर सबकी तरफ देखकर इस राजपूत से कहो होशियार खबरदार। तो कहता है सबकी तरफ देख के कहता है इस राजपूत से कहो होशियार खबरदार, गफलत ना जबरा भी हो खबरदार खबरदार, मतलब कोई गफलत ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, खबरदार रहना। ईमा की कसम दुश्मन जानी है हमारा, वो हमारी जान का दुश्मन है। काफिर है ये पंजाब का सरदार है, खबरदार काफिर है वो पंजाब का सरदार है, उसे सावधान रहना। अजदर है बबूका है जहन्नुम है बला है, अजगर है वो तो बबूका है, पूरी जहन्नुम है हमारे लिए, बला बन करके आया है। बिजली है गजब इसकी तलवार खबरदार, उसकी तो गजब की बिजली है उसके अंदर, उसकी तलवार जो है वो बड़ी ही बिजली की तरह चलती है, उससे सावधान रहना। दरबार में वह तेगे शरबार न चमके, घरबार से बाहर से भी हर बार खबरदार, मतलब कहता है कि दरबार में वो जो तेगे शरबार है वो चमकती रहती है, तो घरबार से बाहर से भी हर बार खबरदार, घर में भी सावधान रहना बाहर भी सावधान रहना। इस दुश्मन ईमा को है धोखे से फंसाना, इस दुश्मन ईमा को जो ईमान का दुश्मन है इसको धोखे से फंसाना है। लड़ना ना वो काबिल कभी जिंदार खबरदार, इससे कभी भी सामने से जाकर के मत लड़ना, मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ। सब चले जाते हैं, ये दूसरा दृश्य खत्म हो गया। तीसरा दृश्य शुरू होता है, पहाड़ की तराई का दृश्य है ये। राजा सूर्यदेव, रानी नील देवी और चार राजपूत बैठे हैं। तो सूरज कहता है कहो भाइयों, इन मुसलमानों तो अब बड़ा उपद्रव मचाया, मतलब ये मुसलमान तो बड़ा शोर मचा रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं। तो जो सामने दूसरा व्यक्ति है वो कहता है तो महाराज जब तक प्राण है तब तक लड़ेंगे, जब तक हमारे अंदर प्राण है तब तक हम लड़ेंगे। तो दूसरा व्यक्ति कहता है महाराज जय पराजय तो परमेश्वर के हाथ है, परंतु हम अपना धम तो प्राण रहे तक निभाएंगे ही, जबकि हमारी जय या पराजय तो हमारी जीत या हार तो ईश्वर के हाथ है, परंतु जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक तो हम अपना धर्म निभाएंगे ही। तो सूरज कहता है हाँ हाँ, इसमें क्या संदेह है, मेरे कहने का मतलब है कि सब लोग सावधान रहें। कहते हैं कि हाँ मुझे मालूम है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि आप सभी लोग अपने धर्म को निभाएंगे, लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब यही है कि आप सब लोग सावधान रहें। तो तीसरा राजपूत कहता है महाराज सब सावधान है, धर्म युद्ध में तो हमको जीतने वाला कोई पृथ्वी पर नहीं है। यानी कि वो कहता है कि अगर धर्म से लड़ाई की जाए, कोई धार्मिक तरीके से लड़ाई करता है, बेईमानी नहीं करता है, तो इस धरती पर कोई हमसे जीत नहीं सकता है। तभी नील देवी कहती हैं पर सुना है कि ये दुष्ट अधर्म से बहुत लड़ते हैं, ये लोग अधर्म से लड़ते हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं। तो सूरज कहता है प्यारी वे अधर्म से लड़े, हम तो अधर्म नहीं ना कर सकते, वो धर्म से लड़े अधर्म से लड़े भी, यानी कि बेईमानी करें, परंतु हम तो अधर्म नहीं कर सकते ना, हम आर्यवंशी लोग धर्म छोड़कर लड़ना क्या जाने, हम तो आर्यवंशी लोग हैं, हम धर्म को छोड़कर के लड़ना नहीं जानते, यहाँ तो सामने लड़ना जानते हैं, हम तो सामने से लड़ना जानते हैं, जीते तो निज भूमि का उद्धार और मरे तो स्वर्ग, अगर हम जीत जाते हैं तो हमारी भूमि का उद्धार हो जाता है और अगर मर जाते हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है, हमारे तो दोनों हाथ लड्डू है और यश तो जीते तो भी हमारा साथ है और मरे तो भी, यानी कि वो कहते कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू है, हमारे तो यश तो जीते तो भी हमारा साथ है, अगर हम जीतते हैं तो हमें यश मिलेगा और मरेंगे तो भी हमें यश मिलेगा, इसलिए हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। अभी चौथा राजपूत कहता है महाराज इसमें क्या संदेह है, और हम लोगों को एकाएक अधर्म से भी जीतना कोई दाल भात सा गस्सा नहीं है। कहता है इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम लोगों से अधर्म करके जीतना भी कोई इतना आसान नहीं है। तभी नील देवी कहती तो भी इन दुष्टों से सदा सावधान ही रहना चाहिए, आप लोग सब तरह चतुर हो, मैं इसमें विशेष क्या कहूँ, स्नेह कुछ कहलाए बिना नहीं रहता है। मतलब कि वो कहती हैं कि आप सबको फिर भी सावधान रहना चाहिए, हालांकि आप लोग खुद समझदार हो, मैं इसके लिए क्या ही कहूँ, परंतु मुझे तुम सबसे स्नेह है इसलिए मैं कह देती हूँ। तो सूर्यदेव कहते हैं प्यारी कुछ चिंता नहीं है, अब तो जो कुछ होगा देखा ही जाएगा ना। राजपूतों से कहते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि अब कोई चिंता नहीं है, जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। फिर वो राजपूतों से कहते हैं सावधान सब लोग रहो सब भांति सदाई, सावधान सब लोग रहो सब भांति सदाई, तुम सब लोग हमेशा ही हर तरीके से सावधान रहो, जागत ही सब रहे रहना हो सो ही नहीं, सारी रात जागते रहेंगे सोना नहीं है, कसे रहे कटे रात दिवस सब वीर हमारे, हमारे रात दिन कैसे कट रहे हैं हे वीर, असब पीठ सो हो ही चार जा में जिने यारे, हमारी तो असब की पीठ पर ही हमारे चार पहर बीत जाते हैं, मतलब कि जो घोड़े हैं असब यानी कि अश्व की पीठ पर ही हमारे दिन रात बीत रहे हैं, तोड़ा सुलगत चढ़े रहे धोखा बंद तो घोड़ा बंदूकन, मतलब की रहे खुले की म्यान प्रतिंचय नहीं उतरे छन, हम लोग घोड़े लेकर के हमेशा घोड़ों पर ही जो है बंदूक लेकर घोड़े पर ही चढ़े रहते हैं और हमारी म्यान जो है उसमें कभी भी हमारी जो तलवार है अंदर नहीं जाती है और हमारी प्रत्यंचा पर से धनुष पर जो हमारा बाण नहीं उतरता है, देख ही लेंगे कैसे पामर जवान बहादुर, देख लेंगे हम लोग भी कैसे ये जवान बहादुर हैं, अब वही जो चढ़ी सन्मुख फायर कुर सब कुर सबे कुर, मतलब अभी जो आए तो चढ़कर सन्मुख कायर कुर सबे जुर
सभी के सभी मिलकर के इन पर हम आक्रमण कर देंगे। देहे रण को स्वाद तुरंत ही नहीं चखाई, उनको हम तुरंत ही रण का युद्ध का स्वाद चखा देंगे। जो पे एक क्षण हो सन्मुख है कीरत लड़ाई करी थी लड़ाई, जो वो हमसे एक क्षण के लिए भी सामने आकर के लड़ाई करते हैं तो हम उनको युद्ध का स्वाद चखा देंगे। जवनी का पतन यानी कि पतना जो है पर्दा गिर जाता है। चौथा दृश्य है सराय का, बटियारी चपरगट्टू खा और पीक दानाली है इस दृश्य में। तो चपरगट्टू कहता है, क्यों भाई अब आज तो जश्न होगा ना, आज तो हिंदू ना लड़ेगा ना, यानी कि आज तो जश्न होगा, आज तो वहां पर सेलिब्रेशन होगा, आज तो हिंदू नहीं लड़ेगा। तो जो दूसरा है पीकदान अली है वो कहता है, मैंने पक्की खबर सुनी है, आज ही तो पुलाव उड़ने का दिन है, मतलब आज ही तो दावतों का दिन है। तो चपरगट्टू कहता है, भाई मैं तो इसी से तीन चार दिन दरबार में नहीं गया, मैं तो तीन चार दिन से इसी वजह से दरबार में नहीं गया, सुना वे लोग लड़ने जाएंगे, सुना है कि वो लोग लड़ने जाने वाली है। मैंने कहा जान थोड़ी ही भारी पड़ी है, हमें कोई जान भारी थोड़ी पड़ रही है, यहाँ तो सदा भागतों से आगे मर्दों से पीछे, ताकि मैं तो हमेशा भागतों से आगे रहता हूँ, तब सबसे आगे भागता हूँ और मारतों के पीछे होता हूँ, मारने वालों में सबसे पीछे होता हूँ। जवान की तेग कहिए 10,000 हाथ झाड़ू, मतलब क्यों कहता है कि अगर जवान की बात हो तो जवान से तुम्हें 10,000 बातें कह दूं, पर युद्ध में मैं नहीं जाता हूँ। तो फिर से वो जो दूसरा वो कहता है, भाई इसी से तो कई दिन से मैं भी खेमों की तरफ नहीं गया, इसी वजह से तो मैं भी खेमों की तरफ नहीं गया, अभी एक हफ्ता हुआ मैं उस गांव में, एक खानगी है उसके यहाँ से चला आता था कि 5 हिंदुओं के सवारों ने मुझे पकड़ लिया और तुरक तुरक करके लगे चपतियाने, यानी कि वो कहता है कि वहां पर एक खानगी है गाँव में उसकी तरफ से मैं आ रहा था, तभी रास्ते में 5 हिंदुओं के सवारों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे लगे चाटा मारने। मैंने देखा कि अब वो बेतरह फंसे, मगर वल्लाह मैंने भी अपने कौम और दीन की इतनी मजम्मत और हिंदुओं की इतनी तारीफ की, इन लोगों को छोड़ते ही बनाई। तो क्यों कहता है कि मैंने, ईश्वर जानता है, मैंने अपनी कौम की बहुत ज्यादा बुराई की और दीन की बुराइयां की और हिंदुओं की इतनी तारीफ की, उन लोगों ने मुझे छोड़ना ही पड़ा। ले ऐसे मौके पर और क्या करता मैं, ऐसे मौके पर और क्या करता, मुसलमानी के पीछे अपनी जान देता, मतलब कि क्या इस्लाम के पीछे मुसलमानी के पीछे मैं अपनी जान दे देता। जो दूसरा जो इसका नाम है चपरगट्टू, तो चपरगट्टू कहता है, हाँ हाँ किसकी मुसलमानी और किसका कुफ्र, मतलब किसका पाप और किसकी मुसलमानी, यहाँ अपने मांडे हलवे से काम है, मतलब कि अपने मांडे हुए हलवे से काम है, हम तो खुद पकाते हैं खुद खाते हैं, हमें किसी की मुसलमानी से किसी के कुफ्र से कोई मतलब नहीं है। ये जो पात्र है यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, भटियारी चपरगट्टू खां और पीकदान अली, तो भटियारी कहती है, यहाँ पर बटियारी कहती है, तो मियाँ आज जश्न में जाना तो देखो, मुझको भूल मत जाना, जो कुछ इनाम मिले उसमें भी कुछ देना, हाँ देखो मैंने कई दिन खिदमत की है। तो भटियारी जो है वो कहती है कि मियाँ आज जश्न में जा तो रही हो पर मुझे मत भूल जाना, वहां से जो कुछ भी इनाम मिले वो मुझे भी देना, देखो मैंने तुम्हारी कई दिन से खिदमत की है। तो जो दूसरा आदमी है वो कहता है, जरूर जरूर जान छल्ला, मतलब कि इनके नाम मैं बार बार भूल जा रही हूँ बेटा, पीकदान अली। तो पीकदान कहता है, जरूर जरूर जान छल्ला, ये कौन बात है, तुम्हारे ही वास्ते तो जी पर खेल कर यहाँ उतरे हैं, मतलब वो कहता है चपरगुट्टू के कान में कहता है कि ये सुनिए, जान जो हम मार चावे भी भटियारी, तो कहता है क्या तुम्हारी वजह से तो हम यहाँ जान पर खेल कर उतरे हैं। फिर उसके कान में कहता है कि जान पर खेले हम और माल चाबे ये भटियारी, मतलब ये भी भटियारी चाहती है कि माल हम इनको दे दे, ये नहीं जानती कि यहाँ इनकी ऐसी ऐसी हजारों चरा कर छोड़ती है, कि हमने इनके जैसी हजारों चरा कर छोड़ दी, मतलब हजारों से हम ऐसी हजारों देखी है हमने कुल मिलाकर के। तो जो चपरगट्टू धीरे से कहता है, अजी कहने दो, कहने से कुछ दिए ही थोड़ी देते हैं, वो कह रही है तो हम दे थोड़ी दे रही है, भटियारी हो चाहे रंडी आज तो किसी को दिया नहीं है, मतलब कि हमने आज तक किसी को कुछ दिया नहीं है, उल्टा इन्हीं लोगों का खा गए, मतलब हम इन लोगों का खा गए हैं पर इनको आज तक हमने कुछ दिया नहीं है। फिर भटियारी से कहता है, वाह जान तक हाजिर है, जब कहो गर्दन काट कर सामने रख दो, तब कहता है कि मेरी तो जान तक तुम्हारे लिए हाजिर है, कहो तो गर्दन काट कर तुम्हारे सामने रख दो। फिर घूरता है तो भटियाना आंखें चकर कहती है, तो मैं भी तो मियाँ की खिदमत से किसी तरह बाहर नहीं हूँ, तब मैं भी तो तुम्हारी खिदमत में लगी हुई हूँ। दोनों गाते हैं, पिक दानो चपरगट्टू है बस नाम हमारा, एक मुफ्त का खाना है सदा काम हमारा, मतलब हमारा नाम है पिक दान और चपरगट्टू और मुफ्त का खाना ही हमारा हमेशा काम रहा है। उबरा जो कहे रात तो हम चांद दिखा दें, रहता है सिफारिश से भरा जाम हमारा, मतलब कहता है कि अगर आप कहें तो हम चांद दिखा दें, उमरा जो कहे रात, अगर रात कहे तो हम चांद दिखा दें, और हमेशा ही सिफारिश से हमारा जाम भरा रहता है। कपड़ा किसी का खाना नहीं सोना किसी का, तब हम किसी का कपड़ा पहन लेते हैं किसी का खाना खा लेते हैं कहीं पर सो जाते हैं, गैरों ही से सारा सरंजाम हमारा, हमारा तो सारे के सारे इंतजाम गैरों के सिर पर ही होते हैं।
हो रंज जहां पास ना आए कभी उसके, आराम जहां हो है वहां काम हमारा, मतलब जहां पर परेशानी हो उसके पास हम कभी नहीं जाते हैं, जहां आराम हो वहीं पर हमारा काम होता है, हम वहीं पर जाते हैं। जर दीन है, कुरान है, ईमा है, नबी है, जर ही मेरा अल्लाह है, जर आराम हमारा, मतलब कहता है कि हमारी जो जरूरत है वही हमारा कुरान है, वही हमारा ईमान है, वही हमारा नबी है, वही हमारा अल्लाह है, वही हमारा राम है। तो बटियारिन कहती है ले मैं तो मियाँ के वास्ते खाना बनाने जाती हूँ, मतलब मैं तो खाना बनाने जा रही हूँ। पीकदान कहता है लो चलो भाई हम लोग भी जब तक जरा रहे लाखों बरस साकी तेरा आबाद मैखाना, मतलब हम भी चले तब तक जरा रहे लाखों बरस साकी तेरा आबाद मैखाना, मतलब तेरा मैखाना लाखों बरस तक आबाद रहे। तो चप्पल गट्टू जो वो कहता है चलो, फिर से पर्दा गिर जाता है। इसके बाद पांचवा दृश्य है, सूर्य देव के डेरे का बाहरी प्रांत है। यहाँ पर रात का समय है, देव सिंह सिपाही देता हुआ पहरा घूम रहा है, नेपथ्य में गाना बज रहा है, राग कलीगढ़ा में बज रहा है। सौ सुख निदिया प्यारे ललन मेरे बेटे प्यारे, आराम से सो जाओ, नैनन के तारे दुलारे मेरे बारे, मतलब मेरे बच्चे मेरी आंखों के तारे, सौ सुख निदिया प्यारे ललन तुम मेरे बच्चे प्यारे बच्चे, शोक की नींद में सो जाओ भाई। आधी रात बन सनसनात, आधी रात हो चुकी है, रात सनसना रही है, पथ पंछी कोई आवत न जात, कोई रास्ते पर ना कोई आता है ना कोई पंछी है, कोई आ नहीं रहा कोई जा नहीं रहा, जग प्रकृति भाई मन स्थिर लखात, ऐसे लग रहा है कि जैसे प्रकृति स्थिर हो गई है, सारी की सारी चीजें थम गई हैं। पाता हूँ नहीं पावत तरुण हलन, तब पत्ते भी पेड़ों से हिल नहीं रहे हैं, झलमलत दीप सिर धुनत आए, और सारे झिलमिलाते हुए दीप अपना सिर धुन रहे हैं क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं है। मनु प्रिय पतंग ही करत हाय, और पतंगे जो है वो हाय हाय कर रहे हैं, सतरात अंग आलस जनाए, और रात की वजह से आलस आ रहा है। सनसन लगी श्री पवन चलन, सिरी का मतलब ठंडी, सनसन करके ठंडी पवन चलने लगी है, सोए जग के सब नींद घोर, सब दुनिया जो है घोर नींद में सो गई है, गहरी नींद में सो गई है। जागत काम चिंतित चकोर, अब जागने का काम चकोर का है, वो चिंतित है। बिरही ने बिरही पाहुर चोर, अब जाग कौन कौन रहे हैं, चकोर बिरहनी बिरही पाहरु चोर, मतलब कि पहाड़ और चोर और विरही लोग और चक्कोर ये सब जाग रहे हैं, इन्हें कहाँ क्षण रहना हो हाय करना, इन सबको तो एक क्षण के लिए भी रात में भी चैन नहीं है। तो सिपाही कहता है बरसों घर छूटे हुए, देखें कब इन दुष्टों का मुंह काला होता है, महाराज घर फिर कर चले तो देश फिर से बसे, मतलब कि फिर कहता है कि पता नहीं इन लोगों से कब छूटा पीछा छूटेगा, महाराज घर की तरफ चले तो फिर से घर देश की तरफ चले तो फिर से घर बसे। रामू की माँ को देखे कितने दिन हुए, मैंने कितने दिन पहले रामू की माँ को देखा था, बच्चा की खबर तक नहीं मिली, है ना, बच्चे की खबर तक नहीं मिली मुझे आज तक भी, चौंक कर ऊंचे स्वर में कहता है कौन है खबरदार, जो किसी ने झूठ मूठ भी इधर देखने का विचार किया, तब कोई किसी ने इधर देखने का भी विचार किया तो खबरदार, साधारण स्वर में कहता है हाँ, कोई यह ना जाने कि देवा सिंह इस समय जोरू लड़कों की याद करता है, इससे भूला है, मतलब किसी को ये ना महसूस हो कि देवा सिंह इस समय अपनी पत्नी को अपने बच्चों को याद कर रहा है, इसे भूला है। शक्ति का लड़का है, घर की याद आवे तो और प्राण छोड़कर लड़े, तब अगर घर की याद आती है तो और भी ज्यादा जी जोर से लड़ता है, इसलिए खबरदार रहना, जागते रहना। इधर उधर फिर कर एक जगह बैठकर गाता है, इधर उधर घूम करके फिर एक जगह बैठ करके कलीगड़ा राग में गाता है। प्यारी बिन कटत न कारी रैन, मेरी पत्नी के बिना काली रात नहीं कटती है, पलछिन न परत जी हाय चैन, मेरे दिल को एक पल के लिए भी चैन नहीं पड़ता है। तन पीर बड़ी सब छुट्यो धीर, मेरे तन में पीड़ा बढ़ गई है, मेरा धीरज छूटता जा रहा है, कहीं आवत नहीं कछु मुकहु बैन, मेरे मुंह में वचन नहीं आते हैं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या कहूँ, मैं कह नहीं पा रहा हूँ, जी तड़फड़ाते सब जरत गात, और मेरा जी तड़पड़ा रहा है, मेरे गाल जलने लग जाते हैं, टप टप टपकत दुख भरे नैन, मेरी आंखें टप टप टपकती हैं, आंखों से मेरे दुख से भरे हुए नैन टपकने लग जाते हैं, मतलब आंसू आने लग जाते हैं। परदेश परे तज देश हाय, हम अपने देश को त्याग कर यहाँ परदेश में पड़े हुए हैं, दुख मेटन हारो कोई है ना, यहाँ पर हमारा दुख मिटाने वाला कोई है नहीं, सजी विरह सेन यह जगत सेन, और यह विरह में ये जगत से विरह में बैठा हुआ है, मारत मरोर मोहि पापी मैन, मेरे मन जो है मेरा पापी मन, मुझे यहाँ पर मेरे मन को मारना पड़ता है। प्यारी बिन कटत न कारी रन, पत्नी के बिना मेरी प्यारी पत्नी के बिना मेरी रात नहीं कटती, यानी पथे में कोलाहल होता है, पीछे शोर होने लग जाता है, कौन है यह कैसा शब्द आता है, खबरदार यह कैसा शोर आ रहा है, नेपथ्य में विशेष कोलाहल हो रहा, मतलब पर्दे के पीछे शोर होने लग जाता है। तो घबरा पर कहता है यह क्या है,
अरे क्यों एक साथ इतना कोलाहल हो रहा है? बीर सिंह, बीर सिंह, बीर सिंह जागो, गोविंद सिंह दौड़ो। मतलब वो कहता है इतना शोर क्यों हो रहा है, बीर सिंह जागो गोविंद सिंह दौड़ो, मतलब सबको जगाता है यहाँ पर। नेपथ्य में बड़ा कोलाहल और मार मार का शब्द, पीछे से शोर मच रहा है, मार मार का शब्द हो रहा है, शोर हो रहा है। शब्द खींचे हुए अनेक यवनों का प्रवेश, यवन आ गए यहाँ पर। अल्लाह अकबर का शब्द होता है, अल्लाह अकबर की यहाँ पर गूंज होती है। देवा सिंह का युद्ध और पतन, देवा सिंह का युद्ध होता है और पतन होता है, यवनों का डेरे में प्रवेश हो जाता है और पर्दा गिर जाता है। इसके बाद मतलब कि देवा सिंह जो था उसके साथ युद्ध होता है, युद्ध खत्म होता है, उसको मार दिया जाता है, यवन जो है वो आ जाते हैं, पर्दा गिर जाता है। छठे दृश्य में अमीर का खेमा है, मसनत पर अमीर अबस शरीफ खान सूर बैठा हुआ है, मसनत पर मतलब की राजगद्दी पर बैठा है। इधर उधर मुसलमान लोग हथियार बांधे मौज पर ताव देते बड़ी शान से बैठे हैं, उसके चारों तरफ मुसलमान लोग बड़ी शान से हथियारों को बांधे हुए मूछों पर ताव देते हुए बैठे हैं। तो अमीर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह इस कमबख्त काफिर को तो किसी तरह गिरफ्तार किया, अब बाकी फौज भी फतह हो जाएगी। कहता है कि हमने किसी तरीके से इस काफिर को तो गिरफ्तार कर लिया, अब बाकी सारी फौज पर भी हम लोग जीत हासिल कर लेंगे। तो पहला सरदार कहता है ए हुजूर जब राजा ही कैद हो गया तो फौज क्या चीज है, खुदा और रसूल के हुक्म से इस्लाम की हर जगह फतह है, हिंदू है क्या चीज, एक तो खुदा की मार, दूसरे बेवकूफ आनंद फानंद में सब जहन्नुम रसीद होंगे। मतलब वो कहता है कि राजा ही कैद हो गया तो फौज की क्या वो है, खुदा के रसूल से इस्लाम की हर जगह जीत ही होगी, हिंदू है ही क्या चीज, एक तो खुदा की मार, दूसरे बेवकूफ आनंद फानंद में सब जहन्नुम रसीद होंगे। मतलब एक तो खुदा की मार है इन पर और दूसरे लोग बेवकूफ है, तो ये सभी की सभी बहुत जल्दी जहन्नुम में जाएंगे। दूसरा सरदार कहता है खुदा बंद इस्लाम के आफ्ताब के आगे कुफ्र की तारीकी कभी ठहर सकती है, मतलब कि इस्लाम के चमक के आगे काफिर की ये फीकापन कभी ठहर सकता है क्या, हुजूर अच्छी तरह से यकीन रखें कि एक दिन ऐसा आएगा जब तमाम दुनिया में ईमान का जलवा होगा। कहता है कि ईश्वर आप हुजूर आप यकीन रखिए, मानिए मेरी बात कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारी दुनिया में ईमान का जलवा होगा, कुफार सब दाखिले दोजक होंगे और सारे के सारे कुफार जो हैं ये नर्क चले जाएंगे और पैगंबरे अखिरुल जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तमाम रूए जमीन पर फैल जाएगा और सारी दुनिया पर इस्लाम दीन इमाम फैल जाएगा। अमीर कहता है आमीन आमीन। तो काजी कहता है मगर मेरी राय है कि और गुफ्तगू के पेशतर शुक्रिया अदा किया जाए, क्योंकि जिस हकत आला की मेहरबानी से फतह हासिल हुई है सबसे पहले उस खुदा का शुक्र अदा करना जरूर है। मतलब कि सबसे पहले जो है फतह हासिल हुई है तो इसके लिए शुक्रिया अदा किया जाए, तो ईश्वर का या खुदा का शुक्र अदा करना बहुत जरूरी है। सब कहते हैं बेशक बेशक। तो काजी उठकर सबके आगे घुटने के बल झुकता है और फिर अमीर आदि भी उसके साथ झुकते हैं, सभी लोग घुटने के बल झुक जाते हैं। काजी हाथ उठाकर कहता है काफिर मुसलमान को फतेहयाब बनाओ, मतलब कि काफिरों के ऊपर मुसलमान को फतेहयाब बनाओ, जीत दिलाओ। सब हाथ उठाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। काजी कहता है की मैं ही बड़ी तूने, ये बस मेरे खुदा, तूने बड़ी मेहरबानी की है मेरे खुदाया। सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काजी कहता है सदके में नबी सैयद मक्की मदनी के अतफाल अली के असबाब के लश्कर मेरा दुश्मन से बचाया। मतलब कहता है कि नबी के सदके में जाऊं, मक्की मदनी के सदके है, अतफाल अली के सदके है, असहाब है कि मेरे लश्कर को उन्होंने दुश्मन से बचा लिया। तो सबके सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काजी कहता है खाली किया एक आन में डैरों को सनम से, शमशीर दिखा के बुतखान गिरा करके हरम तूने बनाया। मतलब कि तूने डैरों को दरवाजों को जो है तूने खाली करा दिया एक बार में ही, और शमशीर दिखा के मतलब कि तलवार दिखा करके बुतखान यानी कि बुतों को जो पूजने वाले जो उनको गिरा करके तूने हरम तूने बनाया, इन सब जगह पर तूने हमारे लिए जो है जीत हासिल करा दी। तो सभी के सभी लोग उसकी हामी हामी लाते हैं। तो काजी फिर से कहता है इस हिंदी से सब दूर हुई कुफ्र की जुल्मत कि तूने ये रहमत नक्कारे ईमा को हर एक सिमत बजाया। मतलब क्यों कहते हैं कि तूने इस जो है हिंद से सारे जो कुफ्र है उसकी जुल्मत को तूने दूर कर दिया है और यहाँ पर रहमत की है, तो यहाँ पर ईमान की जो है तरीके से हर सिमत हर तरफ ईमान की ही नक्कार होगा, मतलब हर तरफ ईमान की ही गूंज होगी। सब लोग उसकी हामी हाँ फिर से मिलाते हैं। फिर काजी कहता है गिर कर ना उठे काफिर बदकार जमी से, ऐसे हुए गारत आमी कहो। तो कहते हैं कि ये काफिर जो है जमीन पर गिर जाए उसके बाद उठ ही ना पाए, ऐसी ही सबके सब आमीन कहो, सभी आमीन कहते हैं। तो काजी कहता है मेरे महबूब खुदाया। सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब निकाह गिरती यानी कि पर्दा गिर जाता है फिर से। इसके बाद सातवां दृश्य है, कैद खाना है। महाराज सूर्यदेव एक लोहे के पिंजरे में मूर्छित पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं। एक देवता सामने आकर खड़ा होकर गाता है। देवता कहते हैं गाते हैं लावनी।
सब भांति देव प्रतिकूल हो एह नासा। अब सभी तरीके से देव है उनके सामने प्रतिकूल हो गई है परिस्थितियां, ये परिस्थिति आ रही है। अब तजहु वीर बर भारत की सब आशा, अब तुम वीर जो है ये वीर तो अब तुम भारत की सारी आशाएं छोड़ दो। अब सुख सूरज को उदय नहीं हुए है, अब यहाँ पर सूरज का सुख उदय नहीं होगा। सो दिन फिर इत सपने हो नहीं आए हैं, वो दिन अब दोबारा यहाँ पर सपने में भी वापस नहीं आएंगे। स्वाधीन पनो बल धीरज सबही नसे है, और स्वाधीन पनो बल धीरज सबही नसे, स्वाधीन पना बल धीरज सबका नाश हो जाएगा। मतलब कि हमने जो एक तरह से आजाद होने की जो कल्पना की थी, बल की धीरज की, सबका नाश हो जाएगा। मंगलमय भारत भूव मसान है जय, और मंगलमय भारत जो है इसकी जमीन मसान हो जाएगी, यानी कि शमशान बन जाएगी। दुख ही दुख करी है चारों ओर प्रकाशा, चारों ओर दुखी दुख का प्रकाश हो जाएगा, मतलब चारों तरफ दुखी दुख फैल जाएगा। अब तजहु वीर बल भारत की सब आशा, तुम भारत के बारे में जितनी भी तुम्हारी आशाएं थी उन सबको छोड़ दो हे वीर। इस कलह विरोध सबन के ही घर करी है, अब एक कलह है और विरोध सबके मन में घर कर जाएगा। मूर्खता को तम चारों ओर पसरे, और मूर्खता का तम चारों तरफ पसर जाएगा, यानी कि मूर्खता का अंधेरा चारों तरफ पसर जाएगा। वीरता एकता ममता दूर सिधरी है, ममता वीरता एकता दूर सिधर जाएगी, दूर चली जाएगी। तज उद्यम सब ही दास वृत्ति अनुसरी है, और सारे के सारे उद्यम छोड़ करके दास वृत्ति को अनुसरण करने लग जाएंगे, सभी लोग परिश्रम करने की बात छोड़ देंगे और दास बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। वह जय है चारा हो वरण शुद्ध वन नासा, चारों के चारों जो वर्ण है हमारे, चारों के चारों वर्ण शुद्ध बनकर दास बन जाएंगे। अब तजह वीर बन भारत की सब आशा, अब हे वीर अब तुम भारत के बारे में जो तुम्हारी आशाएं थी सबको त्याग दो। आगे वो कहते हुए हैं सब इनके भूत पिशाच उपासी, अब इनके सारे के सारे जो जीत गए हैं इनके सभी के सब उपासना करेंगे, भूत पिशाच इनकी पूजा करेंगे। को बने जय है आप वो स्वयं प्रकाश, कोई खुद ही अपने आप ही स्वयं प्रकाश बन जाएगा, यानी कि सब लोग अपने अपने आप को ज्ञानी मानने लगेंगे। न से जय है सगरे सत्य धर्म अविनाशी, सारे के सारे सत्य धर्म जो कि अविनाशी थे सबका नाश हो जाएगा। निज हरि सो हुए हैं विमुख भरत भुगवासी, मतलब कि सभी के सभी अपने ईश्वर से विमुख हो जाएंगे, जितने भी भारत की भूमि पर रहने वाले लोग हैं निज हरि से यानी कि अपने ईश्वर से विमुख हो जाएंगे। तज सुपथ सबही जन करी है कुपथ विलासा, सभी के सभी लोग अच्छे मार्ग को सुमार्ग को छोड़ करके कुपथ पर विलास करने लग जाएंगे। अब तजहु वीर बर भारत की सब आशा, भारत से जितनी भी तुम्हारी आशाएं थी उन सबको त्याग कर दो। अपनी वस्तुन कहा लखी है सबही पराही, अपनी वस्तुओं को कहेंगे, अपनी वस्तु कहेंगे देख करके सभी पराई वस्तुओं को सब लोग अपनी बताएंगे। निज चाल छोड़ गए हैं और इनकी धाई, अपनी चाल को छोड़ करके दूसरों की चाल को पकड़ेंगे, दूसरों की तरह चलना चाहेंगे। तुर्कन हित करे हैं हिंदू संग लड़ाई, तुर्कों के हित के लिए हिंदुओं के साथ लड़ाई करेंगे। और यवनों के चरण ही रहे हैं शीश चढ़ाई, और यवनों के चरणों में ही अपना सिर चढ़ा देंगे, इनके उनके सामने अपना सिर झुकाए रखेंगे। तज निज कुल करी है नीचन संग निवासा, अपने कुल को छोड़ करके नीच लोगों के साथ निवास करेंगे। अब तजहु वीर बर भारत की सब आशा, अब तुम हे वीर अब तुम भारत के बारे में तुम्हारी जितनी आशाएं थी सबको त्याग दो। रहे हमहु कबहु स्वाधीन आर्य बलधारी है, रहे हमहु कबहु स्वाधीन आर्य बलधारी, हम भी कभी स्वाधीन हुआ करते थे, आर्य बलधारी हुआ करते थे, हम आर्य थे बलवान हुआ करते थे। यह देह है जियसो सबहु बात विसारी, ये अब ये सारी की सारी बातें तुम्हें भुला देंगे। हरि विमुख धर्म बिनु धन बलहीन दुखारी, अब हरि से विमुख हो जाएंगे, ईश्वर से विमुख हो जाएंगे, धर्म विहीन हो जाएंगे, धन बलहीन हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। आलसी मंद तन छीन चुचित संसारी, और आलसी हो जाएंगे, मंद तन हो जाएंगे और संसारिक हो जाएंगे, मतलब सांसारिक सुखों की इनको प्राप्ति की इच्छा होने लग जाएगी। सुख सो सही है सिर्फ पवन पादुका त्रासा, यानी कि अब ये बड़े सुख से यवनों की जो चप्पलें हैं उनके ठोकरों को उनकी चोट को सुख से सहेंगे। अब तजहु वीर बर भारत की सब आशा, अब तुम भारत से जितनी भी तुम्हारी आशाएं थी सबको त्याग दो, ऐसा कहते हुए चला जाता है। यहाँ पर सूरज देव कहता है सिर उठाकर, ये कौन था इस मरते हुए शरीर पर, इसने अमृत और विष दोनों एक साथ क्यों बरसाया, ये कौन था और इसने मेरे मरते हुए शरीर पर अमृत और विष दोनों एक साथ क्यों बरसाए हैं। अरे अभी तो यहाँ खड़ा गा रहा था, अभी कहाँ चला गया, मतलब उसे सूरज देव जो है मूर्छित पड़ा था, उसको ऐसे लगा कि कोई वहां गा रहा था, फिर वो देखता है कि अभी तो यहाँ गा रहा था, अभी कहाँ चला गया। निस्संदेह यह कोई देवता था, उसे यकीन होता है कि कोई देवता था, नहीं तो इस कठिन पहरे में कौन आ सकता है, यहाँ मैं पहरे में बंद हूँ, यहाँ कौन आ सकता था। ऐसा सुंदर रूप और ऐसा मधुर सुर
और किसका हो सकता है, वो कोई देवता ही था, वरना इतना सुंदर रूप और इतना मधुर स्वर किसी का नहीं हो सकता। क्या कहता था, अब तजो वीरवर भारत की सब आशा, तब मैं भारत की सारी आशाएं छोड़ दूं, है यह देव वाक्य क्या सचमुच सिद्ध होगा, क्या ये देव वाक्य जो वो कह के गया है क्या ये सचमुच सिद्ध हो जाएगा, क्या भारत का स्वाधीनता सूर्य फिर न उदय होगा, मतलब क्या भारत अब दोबारा स्वाधीन नहीं होगा, क्या क्या हम क्षत्रिय राजकुमारों को भी अब दासवृत्ति करनी पड़ेगी, क्या हम जो क्षत्रिय राजकुमार हैं हम सबको भी अब दासता करनी पड़ेगी, हाय क्या मरते मरते भी हमको ये वज्र शब्द सुनना पड़ा, हमें मरते मरते भी ये वज्र शब्द सुनने पड़ रहे हैं, और क्या कहा, सुख सो सही है सिर यवन पादुका त्रासा, मतलब सुख से हम लोग यवन जो है उनकी चप्पलों की चोट को सहेंगे, हाय क्या अब यहाँ यही दिन आवेंगे, क्या अब हमारे ये दिन आएंगे, क्या भारत जननी अब एक भी वीर पुत्र न प्रसव करेगी, क्या भारत माता अब किसी भी वीर पुत्र को जन्म नहीं देगी, क्या देव को अब इस उत्तम भूमि की यही नीच गति करनी है, क्या देवताओं को अब इस उत्तम भूमि की भारत भूमि की ऐसी दुर्गति करनी है, हाँ मैं यह सुनकर क्यों नहीं मरा कि आर्य कुल की जय हुई और यवन सब भारत से निकाल दिए गए, मतलब कि मैं इस बात को सुनने के बाद क्यों नहीं मरा कि आर्य कुल की विजय हुई और यवन जो है वो यहाँ से भारत से निकाल दिए गए, यानी कि वो चाहते थे कि आर्य कुल की विजय हो और भारत से सारे यवन निकाल दिए जाए, पर तो उससे पहले ही मेरी मौत क्यों हो रही है, हाय हाय करता हुआ रोता हुआ मूर्छित हो जाता है, मतलब की हाय हाय करता हुआ सूर्यदेव दोबारा से मूर्छित हो जाता है और पर्दा गिर जाता है। इसके बाद है आठवां दृश्य, मैदान का वृक्ष है, कोई एक पागल आता है, पागल कहता है मार मार काट 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 ले ले ई बी सी बी 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 तुरक तुरक तुरक, अरे आया 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 भागो भागो भागो, तब ये बात बोलता है पागल और फिर दौड़ता है, मार 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 और मार दे मार, जाए ना दुष्ट चांडाल गोबक्षी जवन, अरे हाँ रे जवन लाल दाढ़ी का जवन बिना चोटी का जवन हमारा सत्यानाश कर डाला, हमारा 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 इसी ने लेना जाने न पावे दुष्ट मलेच्छ हूं हमको राजा बनावेगा, छत्र चवर मुरछल सिंहासन सब पर जवन का दिया, मार 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 शस्त्र न हो तो मंत्र से मार, मार 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 फट चट पट जवन पट शट छट पट आई ऊ आकाश बांध पाताल चोटी कटा निकाल, हाँ ही हो जवन जवन माराय माराय उच्चाट्य उच्चाट्य बेधय बेधय नाशय नाशय फांसय फांसय त्रासय त्रासय स्वाहा फू सब जवन स्वाहा फू अब भी नहीं गया, मार मार हमारा देश हम राजा हम रानी हम मंत्री हम प्रजा और कौन, मार 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 तलवार तलवार टूट गई टूटी टूटी से मार ढेले से मार हाथ से मार मुक्का जूता लात लाठी सोटा ईंट पत्थर पानी सबसे मार, हम राजा हमारा देश हमारा बेश हमारा पेड़ पत्ता कपड़ा लत्ता छाता जूता सब हमारा, ले चला मार 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 जाए ना जाए ना सूरज में जाए चंद्रमा में जाए जहां जाए तारा में जाए उतारा में जाए पारा में जाए जहां जाए नहीं पकड़ मार मार मार, मियाँ 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 छियाँ 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 अल्लाह 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 हल्ला हल्ला हल्ला, मार 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 लोहे के नाते की दुम से मार पहाड़ की स्त्री के दिए से मार, मार मार अंड का बंड का संड का खंड का धूप छाओ चना मोती अगन पूस पूरा माघ कपड़ा रत्ता डोम चमार, मार मार ईंट की आंख में हाथी का बाण बंदर की थैली में चूने की कमान, मार 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 एक 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 मिले 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 में छिप 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 कुल 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 मार मार। अब एक तरीके से जैसे बेटा एब्जर्ड प्ले होते हैं उनमें अर्थहीन डायलॉग डाले जाते हैं उसी तरीके से कुछ ये है। तो एक मियाँ को आता देखकर कहता है मार 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 मुसल 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 मान 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 सलाम 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 कि मार 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 नबी 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 सभी सभी ऊंट के अंडे की चर्बी का कर कागज के धप्पे पर सप्पे की सर, मार 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 मियाँ के पास जाकर कहता है तुरुक 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 घुरुक 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 मुरुक 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 फुरुक 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 याम शाम रीम डाम ढाम, मियाँ को पकड़ने को दौड़ता है, मियाँ अपने आप ही बोलता है ये तो बड़ी हत्या लगी इससे कैसे पिंड छूटेगा, दूर दूर मतलब पागल है उसे बचना चाहता, तो पागल कहता है दूर 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 चूर 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 मियाँ की दाढ़ी में दो जक्की हूर दन तड़ाक छो मियाँ की माई में मोई की मुंह मार 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 मियाँ छर छर खर, मियाँ के पास जाकर हंस के बोलता है जोर से अट्टहास करके बोलता है रावण का साला दुर्योधन का भाई अमरूद के पेड़ को पसेरी बनाता है, अच्छा अच्छा नहीं नहीं तैने तो हमसे वो दिन मारा था ना, हाँ हाँ यही जाने ना पावे मार मार, मियाँ की गर्दन पकड़कर पटक देता है और छाती पर चढ़कर बैठ जाता है वो पागल, रावण का साला दिल्ली का नवाब वेद की किताब बोल हम राजा के तू राजा, तब पुत्ता के बता तू राजा है या मैं राजा हूँ, मियाँ की दाढ़ी पकड़कर खींचने से कृत्रिम दाढ़ी निकल आती है, दाढ़ी निकल आती है विष्णु शर्मा को पहचान कर वो अलग हो जाता है, रावण का साला मियाँ का भेष विष्णु के कान में शर्मा का केस, मेरी शक्ति गुरु की भक्ति पूर्व मंत्रा ईश्वर वास दाढ़ी लगा के वो मियाँ सांच
फिर आंख से इशारा करता है, मियाँ फिर से दाढ़ी लगा लेता है, कहता है लाहौल बिलाकुवत, क्या बेखबर पागल है, इसके घर के लोग इसको लौटने के मुंतजिर हैं, ये कहीं ये यहीं पड़ा है, इसके घर के लोग इसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं, ये यहाँ पड़ा हुआ है। पागल फिर से कहता है पड़ा घड़ा सड़ा घूम घाम जड़ा, एक एक बात जात सात थात, नास 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 घास घास फास। तो मियाँ कहता है क्या सचमुच दैरही का कहते बड़ा भारी पागल, क्या है सचमुच पागल है। पागल कहता है सचमुच नास राजा आकाश ढाल बेढाल मियाँ मतवाल, आंख से दूर जाने को इशारा करता है, फिर मियाँ आगे बढ़ते हैं और पीछे धूल फेंकता हुआ दौड़ता है, मार 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 बरसा की धार, लेना जाने न पावे मियाँ का खच्चर, दोनों एकांत में जाकर अलग से खड़े हो जाते। तो मियाँ चारों तरफ देखकर कहता अरे बसंत क्या सचमुच सर्वनाश हो गया। पागल कहता पंडित जी कल सवेरी रात ही महाराज ने प्राण त्याग दिए, रोता है। फिर तो मियाँ कहते हैं हाय महाराज हम लोगों को आप किसके भरोसे छोड़ गए, मतलब हे महाराज आप हमें किसके भरोसे छोड़ गए हैं, अब हमको इन नीचों का दासत्व तो भोगना पड़ेगा, मतलब हमें इनकी गुलामी सहनी पड़ेगी। हाय हाय चारों ओर देखकर कहते हैं हाँ समाचार तो कहो क्या हुआ, मतलब बताओ क्या हुआ। तो पागल कहता है कल उन दुष्ट यवनों ने महाराज से कहा कि तुम जो मुसलमान हो जाओ तो हम तुमको अब भी छोड़ दें, कि कल उन्होंने महाराज से कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हें अब भी छोड़ सकते हैं। इस समय दुष्ट अमीर भी वहीं खड़ा, उस टाइम वो दुष्ट अमीर भी वहीं पर खड़ा हुआ था, महाराज ने लोहे के पिंजले में से उसके मुंह पर थूक दिया और क्रोध करके कहा कि दुष्ट हमको पिंजड़े में बंद और परवश जानकर ऐसी बात कहता है, मतलब महाराज ने कहा कि तू ये सोच रहा है कि मैं पिंजड़े में बंद हूँ और गुलाम हूँ, तो ऐसी बात कहेगा तू मुझसे। क्षत्रिय कहीं प्राण त्याग भय से दीनता स्वीकार करते हैं, क्षत्रिय कहीं प्राणों के डर से दीनता स्वीकार करते हैं, मुझ पर थू और मेरे मत पर थू, तुझ पर थू है और तेरे मत पर थू है, तूने जो मुझे एक तरह से सजेशन दिया है उस पर भी थू है। मियाँ घबरा कर कहता है तब तब, पागल कहता है इस पर सब यवन बहुत बिगड़े, चारों ओर से पिंजड़े के भीतर शस्त्र फेंकने लगे। तो इस पर जो यवन थे वो बहुत गुस्सा हो गए और चारों तरफ से पिंजड़े के ऊपर शस्त्र फेंकने लगे। महाराज ने कहा इस बंधन में मरना अच्छा नहीं, महाराज ने कहा कि मैं इस बंधन में मरूंगा ये अच्छी बात नहीं है। बड़े बल से लोहे के पिंजड़े का डंडा खींच कर उखाड़ लिया और पिंजड़े से बाहर निकल उसी लोहे के डंडे से 27 यवनों को मारकर उन दुष्टों के हाथ से प्राण त्याग दिए। मतलब कहता है कि उन 27 दुष्टों ने उनको घेरा हुआ था, उस पिंजरे में से निकले, एक डंडा तोड़ा, उसी से उन सबको मारा और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई। फिर रोता है, मियाँ कहता है चारों ओर देखकर और अब क्या होता है, महाराज का शरीर कहाँ है, तुमने ये सब कैसे जाना, मतलब कि अब क्या हो रहा है, महाराज का शरीर कहाँ है, तुम्हें ये सब बात कैसे पता चली। तो पागल कहता है सब इन्हीं दुष्टों के मुख से सुना, इसी वेश में घूमते ये सब यहीं घूम रहे हैं, इन्हीं से सुना है, महाराज का शरीर अभी पिंजड़े में रखा है, कल जश्न होगा, कल सब शराब पीकर मस्त होंगे, चारों ओर देखकर कल ही अवसर है। तो पागल कहता है कि कल जश्न होगा इनका, कल शराब पी करके ये मस्त होंगे, कल मौका है हमारे पास। तो मियाँ कहता है तुम कुमार सोमदेव और महारानी से हम जाकर ये व्रत कह देते हैं, तुम इन्हीं लोगों में रहना, कहता है कि तुम इन लोगों के बीच में ही रहना, मैं महाराज जो कुमार सोमदेव से और महारानी से जाकर ये बात कह देता हूँ। तो पागल कहता है हाँ हम तो यही हुई है, मैं तो यहीं पर हूँ। फिर रोकर कहता है हम सब स्वामी के बिना जाही कर क्या करेंगे, हम स्वामी के बिना जाके करेंगे भी क्या। तो मियाँ कहता है हाय अब भारतवर्ष की कौन गति होगी, भारत का क्या हाल होगा, अब त्रैलोक के ललास सुता भारत का मिलनी को यह दुष्य वतन यथासुद दलन करेंगे, यानी कि जो हमारी त्रैलोक के ललाम सुता, मतलब कि हमारी जो भारत का मिलनी को यह दुष्ट एवं यथासुख दलन करें, हमारी जो धरती है हमारी भारत का मिलनी है, भारत की जो भूमि है इसका ये लोग अपने हिसाब से अपने सुख के लिए खूब इसका दुरुपयोग करेंगे, अब स्वाधीनता का सूर्य हम लोगों में फिर ना प्रकाश करेगा, दोबारा से हमें स्वाधीनता नहीं मिलेगी। हाय परमेश्वर तू कहाँ सो रहा है, हाय धार्मिक पुरुष की ये वीर पुरुष की ये गति, हे परमेश्वर तू कहाँ सो रहा है, उस वीर पुरुष की यानी कि सूर्यदेव की ये गति हुई है। उदास स्वर में गाता है कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नेको न जद भी बहुत विधि भारतवासी रोए। करुणानिधि केशव कहाँ सो गए हैं, बिल्कुल भी जागते नहीं है, जबकि भारतवासी अनेक तरीके से रो रहे हैं। एक दिन वह हो जब हम तुम जब तुम क्षण भी ने भारत हित बिसराए, एक समय वो था जब तुम भारत के हित के लिए एक पल को भी भारत के हित को नहीं बिसराते थे, भूलते थे। इतने पशु गज को आरत लगे आतुर प्यादे थे, यहाँ के किसी पशु के लिए किसी गज के लिए हाथी के लिए भी काप देते तो कोई परेशानी में है, तो आप पैदल भागे चले आते थे। एक एक दीन हीन न रखे तुम दुख सुख अरुलाई, एक एक मनुष्य के सुख के लिए दुख के लिए तुम यहाँ पर बेचैन हो जाया करते थे। अपनी संपत्ति जान इन्हें तुम रखो तुरंत ही थाई, तुम अपनी संपत्ति जान करके इनका संभाल करो, इनकी केयर करो। प्रलय काल सम कौन सम जौन सुदर्शन असुर प्राण संहारी, तुमने
प्रलय काल की तरह से जैसे उस टाइम पर असुरों को सुदर्शन चक्र से संहार किया था, ताकि धार भई या कुंठित हमारी बेर मुरारी, तो हमारी बारी आई है तो क्या उस सुदर्शन चक्र की धार जो है वो कम हो गई है, कुंठित हो गई है। दुष्ट जवन बरबर तो संतति घास साग सम काटे, दुष्ट यवनों ने तुम्हारी संतति को, तुम्हारी संतान को घास साग की तरह काट दिया है। एक एक दिन सहस सहस नरशीष काटे भो पाटे, और एक एक दिन में उन्होंने एक एक दिन के अंदर हजारों के शीश काटकर जमीन पाट दी है। हे अनाथ आर्य कुल विधवा पिलपहि दिन दुखारी, और जो अनाथ होकर के आर्य कुल की विधवाएं हैं वो रोती हैं, दीन दुखियारी हैं। बल करी दासी तिन्ह बनावे तुम नहीं लजत खरारी, मतलब वो बल पूर्वक इनको सबको दासी बना रहे हैं, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है। कहाँ गए सब शास्त्र, कहाँ गई भारी महिमा गाई, जिन भारी महिमा गाई, वो सारे के सारे शास्त्र कहाँ गए जिनमें तुम्हारी महिमा भारी गाई गई है। भक्त वत्सल करुणा निधि तुम कहाँ गए हो बहुत बनाई, तुमको तो बहुत बताया गया कि तुम तो भक्त वत्सल हो, भक्तों का भला करने वाले, तुम कहाँ चले गए हो। हाय सुनत नहीं निठुर भय क्यों परम दयाल कहाई, तुम क्यों परम दयाल कहलाते हो, तुम तो निष्ठुर हो गए हो, मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। सब विधि पूरत लखी निज देश सही देखो न अब बचाई, अपना देश तुम देख रहे हो चारों तरफ से डूब रहा है, हर तरीके से डूब रहा है, इसे क्यों नहीं बचाती हो, कहकर दोनों रोने लग जाती है, पर्दा गिर जाता है। इसके बाद नौवां दृश्य है राजा सूर्यदेव के डेरे में। एक भीतरी डेरे में रानी नील देवी बैठी है और बाहरी डेरे में क्षत्रिय लोग पहरा दे रहे हैं। नील देवी कहती है, गाती है और रोती है, तजी मोहे काके ऊपर ना, तुम मुझे किसके भरोसे छोड़ गई हो प्रभु, मोहे अकेली छोड़ गए तज बालपने को साथ, और मुझे छोड़ गई हो साथ में इस बच्चे का साथ छोड़ गई, मतलब बच्चा है हमारा छोटा सा है। याद करो जो अग्नि साक्षी दे पकड़े हो मेरे हाथ, याद कीजिए जो अग्नि को साक्षी मानकर तुमने मेरा हाथ पकड़ा था। सो सब मोहे आज तीनों दिनों तीनों हाय अनाथ, आज तुमने वो सब छोड़ दिया, वो मोह छोड़ दिया और मुझे अनाथ कर दिया। प्यारे क्यों सुधी हाय बिसारी, तुमने मेरी सुधी क्यों बिसारी, तुम मुझे क्यों भूल गए। दीन भाई बिडरी हम डोलत हा हा होए तुम्हारी, मैं तो बिडरी हुई दीन हो गई हूँ, घूम रही हूँ तुम्हारे लिए, यहाँ हाय हाय हो रही है। कबहू की हो आदर जातन को, तुमने जहा प्यारे ये शरीर जो है इसको तुमने आदर दिया था, ताही की अब दीन दशा यह कैसे लखत दुलारी, उसकी दीन दशा को मैं कैसे देखूं कि निज हाथ तुमने अपने हाथों से जिसे सम्मान दिया था उसका उसकी दीन दशा में कैसे देखूं। आदर के धन सम जातन तह निज अंकन तुम धारो, ताही कहे या पर्योधूर में कैसे नाथ दिहारो, कहते हैं आदर के धन समझा तन कह निज अंकन तुम धारो, तुम इसे अपने अंक में धारण करो, अपने पास धारण करो, ताही कहे या पर्योधूर में कैसे नाथ निहारो, अब वही धूल में पड़ा हुआ है उसे मैं कैसे देख सकती हूँ। प्यारे की तय गई सो प्रीति, वो प्रीति कहाँ चली गई, वो प्रेम कहाँ चला गया। निठुर हो तजे मोहे से धारे नेह निहावन रीत, तुम तो मुझे छोड़ के चले गए हो, वो सारा का सारा निष्ठुर होकर के मोह छोड़ करके मुझे मोह त्याग कर छोड़ के चले गए हो। कहो रहे हो जो छिने नहीं तजी है मानो वचन प्रतीत, तुमने वचन दिया था कि तुम मुझे एक पल के लिए भी छोड़ोगे नहीं, जो मोहे जीवन लो दुख दीनो करी हाय विपरीत, तुमने तो जो कहा था उसका उल्टा किया, मुझे सारे जीवन के लिए दुख दे दिया। कुमार सोमदेव चार राजपूतों के साथ बाहरी डेरे में आते हैं, कुमार सोमदेव आते हैं चार राजपूतों के साथ। सोम कहते हैं भाइयों महाराज का समाचार तो आप लोगों ने सुना, मतलब आप सबको खबर तो लग गई है कि महाराज की मृत्यु हो चुकी है, अब कहिए क्या कर्तव्य, अब हमें क्या करना है। मेरे तो शोक से मति विकल हो रही, मेरी तो दुख के मारे मति काम नहीं कर रही, बुद्धि काम नहीं कर रही, आप लोगों की जो अनुमति हो किया जाए, आप लोग जो कहते हैं वो किया जाएगा। तो पहला राजपूत कहता है कुमार आप ऐसी बात कहेंगे कि शोक से मति विकल हो रही है तो भारतवर्ष किसका मुंह देखेगा, मतलब कि सोम से कहता है कि अगर आप ऐसी बात कहेंगे कि शोक से मति विकल हो रही है तो भारत किसका मुंह देखेगा। इस शोक का उत्तर हम लोग अश्रुधारा से न देकर कृपाण धारा से देंगे, हम हमारे यहाँ जो शोक फैला है राजा की मृत्यु के कारण इसका बदला हम लोग आंसुओं से नहीं बल्कि कृपाण धार से देंगे, हम तलवार से वार करेंगे। तो दूसरा राजपूत कहता है बहुत अच्छा उन्मत्त सिंह तुमने बहुत अच्छा कहा, इन दुष्ट चांडाल यवनों के रुधिर से हम जब तक अपने पितरों का तर्पण न कर लेंगे, हम कुमार की शपथ करके प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि हम पितृ ऋण के सभी उऋण न होंगे। तो वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छी बात कही उत्तम उन्मत्त सिंह, तुमने बहुत ही बढ़िया बात कही, हम इन दुष्ट चांडाल यवनों के खून से जब तक अपने पितरों का तर्पण नहीं कर देंगे तब तक हम कुमार की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि हम पितृ ऋण से कभी अपने आप को ऋण नहीं मानेंगे। तीसरा राजपूत कहता है शाबाश विजय सिंह ऐसा ही होगा, चाहे हमारा सर्वस्व नाश हो जाए परंतु अकाल पांत लोह लेखनी से हमारी यह प्रतिज्ञा दुष्ट यवनों के हृदय पर लिखी रहेगी। चाहे कहते हैं कि हम बिल्कुल नष्ट भी हो जाए खत्म भी हो जाए तो भी इनके हमारी जो इनके दिलों पर हमारी जो है प्रतिज्ञा है लिखी रहनी चाहिए, इनको पता रहना चाहिए हमारी क्या प्रतिज्ञा है।
धिक्कार है उस क्षत्रिय धर्म को जो इन चांडालों के मूल नाश में न प्रवृत्त हो, उस क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है जो कि इनके नाश करने की ओर आगे न बढ़े। चौथा राजपूत कहता है, शत बार धिक्कार है, 100 बार धिक्कार है, 1000 बार धिक्कार है, 1000 बार धिक्कार है उसको जो मनसा वाचा कर मना किसी तरह इन का पुरुषों से डरे, जो इन का पुरुष है, इन कायर पुरुषों से, इनके नियमनों से डरे, उसको 1000 बार धिक्कार है। लक्ष्य बार, कोटि बार धिक्कार है, उसको लाखों बार, करोड़ों बार धिक्कार है उसको जो इन चंडालों के दमन करने में तृण मात्रा की त्रुटि करे, जो इनको दमन करने में, इनसे लड़ने में जरा भी गलती करे, उसे धिक्कार है। बाया पैर आगे बढ़ाकर कहता है, म्लेच्छ कुल के और उसके पक्षपातियों के सिर पर यह मेरा बाया पैर है, मतलब कि म्लेच्छ कुल के ऊपर और जो उनके पक्षपाती लोग हैं उनके सिर पर मेरा ये पैर रहेगा, जो शरीर के 1000 टुकड़े होने तक ध्रुव की भांति निश्चल है, और ये ध्रुव तारे की तरह से निश्चल है, ये अपनी जगह से हटेगा नहीं। जिस पामर को कुछ भी सामर्थ्य हो हटा, जिसको कुछ ताकत हो वो इसे हटा के देखे। सोमदेव कहता है, धन्य आर्य वीर पुरुष गणा, तुम्हारे सिवा और कौन ऐसी बात कहेगा, तुम लोग धन्य हो हे पुरुष, तुम्हारे सिवा ऐसी बात कोई और नहीं कह सकता, तुम्हारी ही भुजा के भरोसे हम लोग राज्य करते हैं, हम तो तुम्हारी भुजाओं के भरोसे ही राज्य करते हैं, यह तो केवल तुम लोगों का जी देखने को मैंने कहा था, मैंने तो केवल तुम लोगों की हिम्मत देखने के लिए कहा था। पिता की वीर गति का शोक किस क्षत्रिय को होगा, पिता की वीर गति का, पिता मेरे शहीद हुए इस बात का मुझे शोक नहीं है। हाँ, जो हम लोग इन दुष्ट यवनों का दमन न करके दासत्व स्वीकार करें तो निसंदेह दुख हो, लेकिन अगर हम अपनी वीरता को छोड़ करके इन यवनों की गुलामी स्वीकार कर लेंगे तो मुझे जरूर दुख होगा। तलवार खींचकर कहता है, भाइयो चलो इसी क्षण हम लोग इस पामर नीच यवन के रक्त से अपने आर्य पितरों को तृप्त करें। कहता है, चलो हम इसी क्षण चलते हैं और इस यवन के खून से अपने पितरों का तर्पण करते हैं। चलो वीर उठ तुरंत सवे जय ध्वज उड़ाओ, मतलब कि सभी लोग उठो, ये ध्वज को उठाओ। ले हो म्यान सो खग खींच न रंग जमाओ, और रन रंग जमाओ, अपनी अपनी म्यान से खग खड को खींच लो, तलवार को खींच लो और रण में रंग जमाओ। परिकर कसी कटी उठो, धनुष पे धरी सरसाथी, अपनी अपनी तरकश उठा लो और अपने अपने धनुष पर इनमें से तीर को रख लो, तीर साध लो। केसर या बानो सजी सजी रण कंकन बांधो, और अपने सिर पर रण कंकन, रण की तरह से एक साफा बांध दो अपने से अपने सिर पर। जो आरजगन एक होए निज रूप संहारे, तज ग्रह कलल है अपने कुल मर्जाद विचारे, मतलब जो कोई भी व्यक्ति अपना रूप इस तरीके से संभाल रहा है, वो घर के शांति घर के कामों को छोड़ करके अपने कुल मर्जाद विचारे, अपने कुल मर्यादा का विचार करे। तो ये कितने नीच कहा इनको बलवारी, ये कितने नीच है, इनके पास भारी बल है। सिंह जगे कहो स्वान टहरे समर मजारी, ये चाहे कितने ही इनके पास बल हो परंतु जब सिंह जागता है, शेर जागता है, तो उसके सामने कोई कुत्ते नहीं रुक पाते हैं। पद तल इन कहा दलह कीट त्रिन सरे से जवैन चाहे, इनको अपने पैरों के नीचे इस तरीके से दलन कर दो, इनका इस तरीके से कुचल दो जैसे कीड़ों को कुचला जाता है। तने कहो शंक न करो धर्म जीत जय तेत जय, और ये निश्चित है कि बिल्कुल भी शंका मत करो कि धर्म की जीत होगी आखिर में, जिस तरफ जीत विजय धर्म जाएगा उस तरफ जीत निश्चय होगी। आर्य वंश को बधन पुने जा अधम धर्म में, आर्य वंश का जो एक तरह से इन लोगों ने अधर्म से जो वध किया है आर्य वंश का, गो भक्षण द्विज श्रुति हिंसन नित नाजाज कर्म में, इनके लिए गो भक्षण जैसी एक तरह से जो एक तरह से इन्होंने हत्या की है, जो हमारी राजा की हत्या की है, गो भज द्विज श्रुति हिंसन नित जाच कर्म है, और ये लोग गो भक्षण करते हैं, श्रुति हिंसन हिंसक हैं, इनको हम लोगों ने इनसे जिनको तुरंत ही हतो हति मिले रन के घर माई, जिनको भी इसमें से जिनको भी लड़ना है तुरंत ही रन के घर में मिले हमें। इन दुष्टों से पाप करें पुण्य सदाई, इन दुष्टों को हम इनके पाप पुण्य को खत्म कर देंगे और इनसे हम विजय प्राप्त करेंगे। चींटी हो पद तल दबे डसत है तुच्छ जंतु, एक चींटी भी अगर पैरों के तले कुछ ली जाती है तो डसती है, जो बहुत तुच्छ जंतु है। ये प्रत्यक्ष अरे इन्हीं उपेक्ष जौन ताहे दे, ये तो हमारे प्रत्यक्ष दुश्मन है, इनसे इनके अगर कोई नहीं लड़ता है तो उसके लिए तो धिक्कार है। देखते ने कहा जे आर्य होए जवनन को चाहे, उन आर्यों को धिक्कार है जो इनको चाहते हैं। देखते ने कहे जे इन सो कछु संबंध निभाए, उनको भी धिक्कार है जो इनसे कोई संबंध निभाते हैं। उठाओ वीर तलवार खींचे मारा हो धन संगत, उठ करके इन सबको मारो, तलवार खींच लो और इनको मारो, इनका वध करो। लोह लेखनी लिखाओ आर्य बल जवन हृदय पर, और लोहे की लेखनी से इन यवनों के दिल पर अपनी कथा लिख दो। मारू बजे बजे कहो धोसा कह रही, कहीं पर मारू बजे कहीं पर धोसा बजे, उड़ाई पताका शत्रु हृदय लकी लकी धह रही, पताकाएं उड़े और जो हमारे दुश्मन है उनके हृदय कांप उठे।
चारण बोला है आर्य सुजस बंदी गुण गावे। चारण बोले और आर्य सुजस बंदी गुण गावे, और बंदी लोग जो है वो सब आर्यों का गुण गाए। छूटा है तोप घनघोर सब बंदूक चलावे, सभी लोग तोप चले चारों तरफ से और बंदूक चलाए। चमकहे असि भाले दम कहे ठन कहे तन बख्तर, चारों तरफ से तलवारें चमके भाले दम की। ही सहे है झन कहीं रथ कज धिक्कार है समर्थर, चिक्कर है समर्थर, तब चारों तरफ से है मतलब घोड़े हिंकारे, रथ चले रथों की झंकार सुनाई पड़े, हाथियों की चिंकार सुनाई पड़े, युद्ध की थरथराहट सुनाई पड़े। छन मह नासे आर्य नीचे जवनन कहाँ करी छे, अब जो हमारे जो आर्य हैं जो हमारे क्षत्रिय हैं ये क्षण भर में ही इन यवनों का नाश कर देंगे, इनको नष्ट कर देंगे। काउ सब भारत सब भारत जय भारत जय, तो सभी लोग मिलकर के भारत की जयकार बोलो, भारत की जयकार बोलो, भारत की जयकार बोलो। तो सब वीर कहते हैं भारत की जय, प्रार्य कुल की जय, महाराज सूर्य देव की जय, महारानी नील देवी की जय, कुमार सोम देव की जय, क्षत्रिय वंश की जय, ये सारे के सारे जयकारे वो लोग लगाते हैं। आगे आगे राजकुमार उसके पीछे तलवार खींचकर क्षत्रिय चलते हैं। रानी नील देवी बाहर के घर में आती है, नील देवी आती है, नील देवी कहती है पुत्र की जय हो, क्षत्रिय कुल की जय हो, बेटा एक बात हमारी सुन लो तब युद्ध यात्रा करो। कहती है कि बेटे मेरी एक बात सुन लो उसके बाद युद्ध के लिए निकलो। सोमदेव कहते हैं रानी को प्रणाम करके, माता जो आज्ञा हो आप कहिए। नील देवी कहती है कुमार तुम अच्छी तरह जानते हो कि यवन सेना कितनी असंख्य है, और यह भी भली भांति जानते हो कि जिस दिन महाराज पकड़े गए उसी दिन बहुत से राजपूत निराश होकर अपने अपने घर चले गए। यानी कि तुम्हें यह भी पता है कि ये यवन सेना कितनी सारी है, और तुम्हें यह भी पता है कि बहुत से राजपूत उसी दिन निराश होकर अपने अपने घर चले गए थे जिस दिन महाराज सूर्यदेव पकड़े गए थे। इससे मेरी बुद्धि में यह बात आती है कि इनमें एक ही बैर सम्मुख युद्ध न करके कौशल से लड़ाई करना अच्छी बात है। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि इनके साथ एक ही बार युद्ध न करने की बजाय युद्ध करने की बजाय इनसे कौशल से लड़ाई की जाए, मतलब कि थोड़ा सा ट्रिक से लड़ाई की जाए। सोमदेव कहता है कुछ क्रोध करके, तो क्या हम लोगों ने इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम लोग को युद्ध में लड़कर जीते, क्या हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम इनसे युद्ध में जीत सकें। तो सभी क्षत्रिय कहते हैं क्यों नहीं। तो नील देवी कहती है शांत भाव से, कुमार तुम्हारी सर्वदा जय है, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा कहीं पराजय नहीं है। कहती है कि तुम्हें सदैव विजय प्राप्त हो, मेरा आशीर्वाद है कहीं पराजय ना हो, किंतु माँ की आज्ञा मानना भी तो तुमको योग्य है, परंतु तुम्हें माँ की आज्ञा भी तो माननी चाहिए। तो सब क्षत्रिय कहते हैं अवश्य अवश्य। सोमदेव हाथ जोड़कर कहते हैं माँ जो आज्ञा होगी वही करूंगा। तो नील देवी कहती है अच्छा सुनो, पास बुलाकर कान में सब विचार कहती है। तो सोमदेव कहता है जो आज्ञा। एक ओर से कुमार और दूसरी ओर से रानी आती है, पटाक्षेप हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। इसके बाद दसवां दृश्य, अमीर की मजलिस, अमीर जो है उसकी मीटिंग चल रही है, अमीर गद्दी पर बैठा है, दो चार सेवक खड़े हैं, दो चार मुसाहिब बैठे हैं, सामने शराब के प्याले सुराही पानदान इतरदान रखे हुए हैं, दो गवैये सामने गा रहे हैं, अमीर नशे में झूमता है। गवैये कहते हैं आज ये फतेह की दरबार मुबारक हो, तो आज की जीत का ये दरबार मुबारक हो, मुल्क ये तुझको शहरयार मुबारक हो, मतलब तुमको ये राजा मुबारक हो, शुक्र सद शुक्र ही पकड़ा गया वह दुश्मने दीन, ईश्वर का अल्लाह का शुक्र है कि वो दुश्मने दीन पकड़ा गया, हमारे इस्लाम का दुश्मन पकड़ा गया। पता है अब हमको हर एक बार मुबारक हो, अब हमको हर बार पता है ही मिले, हर बार जीत ही हमको मिलती रहे, हमको दिन रात मुबारक हो, फतेह एने रोज, हमें दिन रात की फतेह मुबारक हो, हम दिन रात जीतते रहे, काफिरों को सदा फिटकार मुबारक हो, काफिरों को सदा फिटकार मतलब फटकार मुबारक हो, उनको हमेशा हार मुबारक हो, फतेह पंजाब से सब हिंद की उम्मीद हुई, मोमिनों ने के आसार मुबारक, मतलब फतेह पंजाब से, पंजाब में जो हमने किया इससे हिंद की उम्मीद हुई, हमें हिंद जीतने की उम्मीद हो गई है अब, और मोमिनो ये नेक ये आसार मुबारक, ये आसार जो है आपको मुबारक हो कि हमको जो उम्मीद हो रही है कि हमने पंजाब को जीत लिया तो पूरे हिंदुस्तान को भी हम जीत लेंगे, ये आसार आपको मुबारक हो। हिंदू गुमराह हो बेजर हो बने अपने गुलाम, हिंदू गुमराह हो जाएं बेजर हो जाएं अपने गुलाम बन जाएं, हमको ऐश तरबोतार मुबारक हो, और हमको ये ऐश मुबारक हो। तो अमीर कहते हैं आमीन आमीन, वाह 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 लाई खूब गया, कोई है इन लोगों को एक एक जोड़ा दुशाला इनाम दो, मतलब इनको दुशाला इनाम दो, और खुद शराब पीता है। तभी एक नौकर आता है, तो नौकर कहता है खुदावंद नियामत, एक परदेश की गाने वाली बहुत ही अच्छी खेमे के दरवाजे पर हाजिर है, तो कोई परदेश से गाने वाली आई है, वो दरवाजे पर आई है, वो चाहती है कि हुजूर को अपना कर्तव्य दिखलाए, जो इशाद हो बजाला हूँ, कहता है कि अगर हुक्म हो तो उसको ले आऊं, वो अपना कर्तव्य दिखाना चाहती है। अमीर कहता है जरूर जाओ, कहो साज मिलाकर जल्द हाजिर हो, कि जल्दी आकर के हाजिर हो। तो नौकर कहता है जी इशाद, चला जाता है। अमीर कहता है आज के जश्न का हाल सुनकर दूर दूर से नाचने गाने वाले चले आते हैं, कहता है कि आज के जश्न का हाल सुनकर के दूर दूर से नाचने गाने वाले आ रही हैं। मुसाहिब कहता है बजा इरशाद है और उनको इनाम भी बहुत ज्यादा मिलता है, क्यों ना क्यों आवी, मतलब कि बजा तो वाजिब है किसी के भी नाचने गाने की और सबको इनाम भी खूब मिलता है, तो क्यों नहीं आएंगे।
चार समाजियों के साथ एक गायिका का प्रवेश होता है। चार समाजी आते हैं साथ में, ताकि समाजी बोलते हैं बेटा तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह साथ में लेके बजाने वाले आते हैं। एक गायिका आती है, अमीर कहता है आप ही आप, यह ताइफा तो बहुत ही खूबसूरत है, ये तो बहुत सुंदर है। प्रगट तुम्हारा क्या नाम है, शराब पीते हुए पूछता है तुम्हारा क्या नाम है। तो गायिका कहती है मेरा नाम चंडिका है, मैं बड़ी दूर से आपका नाम सुनकर आती हूँ, मैं बड़ी दूर से आपका नाम सुनकर आई हूँ, मेरा नाम चंडिका है। तो अमीर कहता है बहुत अच्छी बात है, जल्द गाना शुरू करो, तुम्हारा गाना सुनने को मेरा इश्तियाक हर लहजे बढ़ता जाता है, मतलब मुझे तुम्हारा गाना सुनने की बहुत ज्यादा जल्दी है, जैसे ही तुम खूबसूरत हो वैसा ही तुम्हारा गाना भी खूबसूरत होगा। कहता है कि जितनी तुम सुंदर हो तुम्हारा गाना भी इतना ही खूबसूरत होगा, कहते हुए शराब पीने लग जाता है। तो गायिका कहती है जो हो, फिर गाती है ढोमरे तीता ठुमरी तीताला, हाँ मुँह से सेजिया चढ़ी नहीं जाई हो, मुझे सेज नहीं चढ़ी जाती है, पिनो बियो सांप इन सी डसे भी रह रहन, मुझे अपने पति के बिना ये रात जो है सांप की तरह डसती है, छिन छिन बढ़त बिठा तन सजनी, मेरे शरीर में व्यथा बढ़ती है क्षण क्षण, कष्ट न कठिन वियोग की रजनी, मुझसे कष्ट नहीं सहा जाता इस वियोग की रात का कष्ट मुझसे नहीं, ये वियोग की रात मुझसे कटती नहीं है, बिन हरि अति अकुलाई हो, बिन ईश्वर के मैं तो बेचैन हो गई हूँ। अमीर कहता है वाह वाह क्या कहना है, क्यों फिदा हुसैन कितना अच्छा गाया, देखो फिदा हुसैन कितना अच्छा गाया है। मुसाहिब कहता है सुभान अल्लाह हुजूर क्या कहना है, वल्लाह मेरा तो क्या जिक्र है, मेरे बुजुर्गों के ख्वाब में भी ऐसा गाना नहीं सुना था। कहता है मेरी तो बात छोड़िए, मेरे बुजुर्गों ने भी इतना सुंदर गाना कभी नहीं सुना था। अमीर अंगूठी उतार कर देना चाहता है, अमीर अंगूठी उतार कर उसको देना चाहता है गायिका, तो गायिका कहती है मुझको अभी आपसे बहुत कुछ लेना है, अभी आप इसको अपने पास रखें, आखिर में एक साथ में सब ले लूँ। कहती है कि अभी मुझे आपसे काफी कुछ लेना है, अभी मैं और गा रही हूँ, आप इसे अपने पास रखिए, मैं सब कुछ एक साथ ले लूँ। तो अमीर मद्यपान करके कहता अच्छा कुछ परवाह नहीं, हाँ इसी धुन की एक और हो, मगर इसमें फुरकत का मजमून ना हो, क्योंकि आज खुशी का दिन है, मतलब कि आज एक और गजल सुनना हो लेकिन उसमें उदासी ना हो, क्योंकि आज खुशी का दिन है। तो गायिका कहती है जो हुक्म, उसी चाल में गाती है जाओ जाओ काहे आओ प्यारे कतराए हो, जाओ जाओ काहे आओ प्यारे कतराए हो, काहे चलो छाह मिलाए हो, मतलब तुम क्यों मेरे साथ साथ चल रहे हो परछाई में परछाई मिलाते हुए, जियो को मरम तुम साफ कहत किन काहे फिरत मंडराए हो, तुम अपने मन की बात क्यों नहीं कहते हो, ऐसे मंडराए मंडराए क्यों घूम रहे हो, ए हो हरी देखिए नयो मेरो जीवन हम जाने तुम जो लुभाए हो, मेरा ये नया जीवन है इसको देख करके मुझे पता चल रहा है कि तुम मेरे ऊपर मोहित हो गए हो। अमीर मद्यपान करके बहुत रीझने का नाटक करता है कि हाँ मैं लुभा गया हूँ, मतलब मुझे तुम्हें देखकर के मैं मोहित हो गया हूँ, कसम खुदा की ऐसा गाना मैंने आज तक नहीं सुना था, दर हकीकत हिंदुस्तान इल्म का खजाना है। कहता है असल में हिंदुस्तान जो है ज्ञान का खजाना है, इसमें स्किल्स का टैलेंट का खजाना है, वल्लाह मैं बहुत ही खुश हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। मुसाहिब गण कहते हैं वल्लाह बजा इशाद बेशक इत्यादि सिर और दाढ़ी हिलाकर कहते हैं, जितने भी लोग थे वहां पर सभी दाढ़ी हिलाकर कहते हैं वाह वाह। अमीर कहता है तुम शराब नहीं पीती, तो गायिका कहती है नहीं हुजूर। अमीर कहता है तो आज हमारी खातिर से पियो, तो आज हमारे लिए पियो। गायिका कहती है अब तो आपके यहाँ आई ही हूँ, ऐसी जल्दी क्या है, जो जो हुजूर कहेंगे सब करूंगी। कहती है अभी तो मैं आई ही हूँ, ऐसी जल्दी भी क्या है, अब तो आप जो कुछ कहेंगे मैं वो सब कुछ करूंगा। तो अमीर कहता है अच्छा कुछ परवाह नहीं, चलो कोई बात नहीं, मद्यपान करते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा और आगे आ जाओ। गायिका आगे बढ़कर बैठती है, अमीर घूर खूब घूर कर स्वागत करता है, हाय हाय इसको देखकर मेरा दिल बिल्कुल हाथ से जाता रहा, जिस तरह हो आज ही इसको काबू में लाना जरूरत, कहता है आज इसको मुझे अपने काबू में करना है। फिर कहता है वल्लाह तुम्हारे गाने ने मुझको बेअख्तियार कर दी, मतलब तुम्हारे गाने से मैं बेचैन हो गया हूँ, एक चीज और सुनाओ इसी धुन की हो, शराब पीते हो। कहता है एक चीज और सुनाओ, एक गाना और सुनाओ। गायिका कहती है जो हुक्म, और फिर से गाती है हाँ गरबे लगावे गिरदारी हो, देखो सजी सखी लाज शरम जग की, छोड़े चट निपट नीलज मुख चूमे बारी बारी। कहती है गले लगाते हैं गिरधारी सबको, देखो सखी लाज शर्म की मारी में, और मुझे सबको छोड़ करके ये निपट नीलज निपट निर्लज जो है मेरा मुख बार बार चूम लेते हैं। अति मध्यमाती हरी कछु न गिनत छैल बरज रही मैं छोई छोई होई होई बलिहारी हो, ताकि हरी जो है कुछ गिनते नहीं है, मदमाती हरी हरी जो है मद मस्त है, कुछ गिनते नहीं कुछ देखते नहीं है, और मैं बलिहारी जाती हूँ, अब कहाँ जाऊँ कहाँ करूँ, लाज की बीमारी मुझे शर्म आती है, अब मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। अमीर जो है वो शराब पीते पीते कहता है, नशा करते हुए नशे में खूब मस्त होकर कहता है वाह क्या कहना है, गिलास हाथ में उठा के कहता है एक गिलास तो अब तुमको जरूर ही पीना होगा, लो तुमको मेरी कसम वल्लाह मेरे सिर की कसम जो ना पी जा। तो कहता है कि तुम्हें मेरे सिर की कसम है, अगर तुमने नहीं पी ली तो तुम्हें मेरे सिर की कसम। गायिका कहते हैं हुजूर मैंने आज तक शराब नहीं पी है, मैं जो पीऊंगी तो बिल्कुल बेहोश हो जाऊंगी। कहती है जो गायिका है कहती है कि मैंने आज तक कभी शराब नहीं पी है, मैं पीऊंगी तो बेहोश हो जाऊंगी। अमीर कहता है कुछ परवाह नहीं पियो। तो गायिका हाथ जोड़कर कहती है हुजूर एक दिन के वास्ते शराब पीकर मैं क्यों अपना ईमान छोड़ूं। कहती है मैं एक दिन के लिए शराब पी के अपना ईमान क्यों छोड़ दूं। तो अमीर कहता है नहीं नहीं
आज से हमारी नौकर हुई, जो तुम चाहोगी तुमको मिलेगा। कहती है कि वो कहती है गायिका कि एक दिन शराब पी लूं, आगे नहीं मिलेगी। तो कहता है नहीं, आज से तुम हमारी नौकर हुई, तुम्हें जो चाहिए होगा वो मिलेगा। अच्छा हमारे पास आओ, हम तुमको अपने हाथ से शराब पिलाएंगे। कहता है तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से शराब पिलाता हूँ। गायिका अमीर के आते निकट बैठती है। अमीर कहता है लो जान साहब, मतलब लो पियो। प्याला उठाकर अमीर जिस समय गायिका के पास ले जाता है, उस समय गायिका बनी हुई नील देवी जो टोली से कटार निकालकर अमीर को मारती है और चारों समाजी भाला फेंक कर शस्त्र निकालकर मुसाहिबादी को मारते हैं। वो नील देवी जो है वो अमीर को मार डालती है कटार से, और चारों समाजी बनकर जो आए थे वो बाजा फेंक देते हैं, शस्त्र निकाल लेते हैं, और जो साथ में लोग बैठे हुए थे उनको मार डालते हैं। तो नील देवी कहते ले चांडाल पापी, उसको जान साहब कहने का फल ले, महाराज के वध का बदला ले। कहती तूने मुझे जान कहा, इसका फल ये ले ले और महाराज के वध का बदला ये ले। मेरी यही इच्छा थी कि मैं इस चांडाल को अपने हाथों से वध करूं। कहती मेरी इच्छा थी कि मैं इसको अपने हाथों से मारूं, इसी हेतु मैंने कुमार को लड़ने से रोका, सो इच्छा पूर्ण हुई। कहते इसीलिए मैंने कुमार को सोमदत्त जो थे उनको रोकने सोम कुमार जो थे उनको लड़ने से रोका था और मेरी इच्छा पूरी हुई। और फिर एक अटैक और करती है, कहती है अब मैं सुखपूर्वक सती होंगी, अब मैं सती हो जाऊंगी। जो अमीर है वो मृतावस्था में आ गया, कहता है दगा अल्लाह चंडिका, दगा किया तूने मेरे साथ चंडिका। रानी नील देवी ताली बजाती है, तंबू फाड़ कर शस्त्र खींचे हुए कुमार सोमदेव राजपूतों के साथ आते हैं, मुसलमानों को मारते और बांधते हैं। क्षत्रिय लोग भारत वर्ष की जय, आर्य कुल की जय, क्षत्रिय वंश की जय, महाराज सूर्यदेव की जय, महारानी नील देवी की जय, कुमार सोमदेव की जय इत्यादि शब्द करते हैं और यहाँ पर पर्दा गिर जाता है। इस तरीके से ये नाटक खत्म हो जाता है। तो बेटा ये नाटक था नील देवी, जिसमें कि सूर्यदेव जो है वो राजा थे, उनको धोखे से ये लोग गिरफ्तार कर लाते हैं अमीर के लोग और यहाँ ला करके मार डालते हैं। उसके बाद जो नील देवी है वो गायिका बनकर आती है इनके दरबार में, यहाँ करके गाती है, इस पर मोहित होकर के अमीर उसको बिल्कुल अपने पास बिठा लेते हैं, उसको शराब देने की कोशिश करते हैं, तब वो कटारी से उसका वध कर देती है। उसके साथ चार आए हुए जो समाजी होते हैं बाकी लोगों को कंट्रोल करते हैं, फिर बाकी सब लोग आते हैं, सेना आती है, पूरा का पूरा युद्ध जीत लेती है। तो एक तरीके से देशभक्ति पर आधारित एक तरह से महिला प्रधान नाटक था जिसे आज हमने पढ़ा। ये आपके सिलेबस में शामिल किया गया था बेटा, बीए प्रोग्राम के फर्स्ट आपका चौथा सेमेस्टर है, उसमें जो आपका पेपर है किसी एक साहित्यकार का परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि हिंदी का पेपर है आपका, उसमें इसे शामिल किया गया था बेटा। ये बेसिकली एक नाटक है, इससे जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर बनते हैं उनका हम अलग से वीडियो बनाएंगे बेटा। इसको तब तक आप लोग ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा। आपका पेपर था किसी एक साहित्यकार का परिचय जो कि हिंदी क में होता है बेटा। हिंदी क बोलते हैं उन बच्चों के पास होती है जिनके पास 9th, 10th, 11th, 12th तक, क्लास 12 तक जिन्होंने हिंदी पढ़ी होती है, कंसिस्टेंटली हिंदी पढ़ी होती है, उनका होता है बेटे। आप अपने फिर रिसिप्ट में एक बार जरूर देख लीजिएगा कि आपका पेपर का नाम क्या है। अगर आपका पेपर का नाम किसी एक साहित्यकार का परिचय है तो आपके नाटक जो है ये नाटक है नील देवी ये आपके सिलेबस में शामिल होगा बेटे। तो चैनल बेटे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और आपकी परीक्षाओं के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।